सोचो क्या हो अगर आपकी सोल और आपकी बॉडी ही अचानक से किसी ऐसे इंसान के साथ में स्वैप हो जाए जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हो। सो ऐसा ही कुछ आज की हमारी इस कहानी में भी होने वाला है दोस्तों, जो कि सस्पेंस और सुपर पावर से भरी हुई स्टोरी होने वाली है और ये आपको 100% पसंद जरूर आएगी क्योंकि इसमें काफी सारे मिस्ट्री हैं, बहुत सारे राज हैं जो कि धीरे धीरे खुलेंगी और ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो कहानी की शुरुआत में हम एक खाली पड़ी फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड को लॉक लगाते हुए देखते हैं और उसी टाइम पर एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। देखने में तो ये एक सीरियल किलर लग रहा था और लग रहा था कि शायद वो कोई मर्डर कर रहा है, बट दोस्तों ये तो एक मेकअप कंपनी के लिए ऐड होती है जो कि मिस्टर नाम एक्स ऊ कंपनी के सीईओ को ब्रांडिंग के लिए दिखा रहे होते हैं। मिस्टर नाम सोंगसियू मार्केटिंग कंपनी के लिए काम करते हैं और एक्स ऊ मेकअप ब्रांड कंपनी है जो कि अपना काम सोंगसियू से करवाना चाहती है और सीईओ को ये एड बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो फिर उस इंसान के बारे में पूछते हैं जो कि असल में उनसे मिलने वहाँ पर आने वाली थी, जो कि दोस्तों कोई और नहीं बल्कि अपनी फीमेल लीड है जिसका नाम कोंगना यो है और वो अपनी असिस्टेंट युमी के साथ में एक ट्रैफिक में फंसी हुई होती है। युमी उसे मिस्टर नाम के बारे में बता रही होती है कि उन्होंने हमसे पहले जाकर उस सीईओ को इम्प्रेस कर लिया है और ये प्रोजेक्ट अपने नाम करने की कोशिश की है। ये सुनते ही यो उससे कहती है वो तो हमेशा से ही हमारे प्रोजेक्ट के पीछे पड़े रहते हैं, गलती तुम्हारी है कि तुमने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और ये कहते हुए वो टैक्सी ड्राइवर को 4 गुना पैसे ऑफर करती है और जल्दी उसकी जगह पहुंचाने के लिए बोलती है। ड्राइवर फिर पैसों के लिए जल्दी से उसे मीटिंग में पहुंचा भी देता है, जिसके बाद वो फटाक से टैक्सी से उतरकर 3 मिनट में मीटिंग में किसी को आने के लिए कहती है। सीईओ ना को देखते हुए कहता है कि जब ये प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ करने वाला था तो मिस्टर ना को क्यों भेजा गया, मैंने अपने बिजी शेड्यूल में से तुम्हें 50 मिनट दिए थे जिसमें से अब आपके पास सिर्फ 3 मिनट ही बचे हैं, जितने में अगर तुम मुझे कुछ अच्छा बता पाई तो हमारी डील पक्की होगी। और ये सुनकर तो ये उससे कहती है कि इस एड में जो बन्नी एक्टर आपने देखा है ना, वो अपने लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारा मेस क्रिएट कर चुका है, जैसे कि लोगों को मारना, काफी सारे स्कैंडल खड़े करना, लड़ना और गुस्सा करना, और इसीलिए मैंने उसकी लाइफ को चेंज करने के लिए उससे हॉरर या सीरियल किलर वाली मूवीज में एक्टिंग करने को कहा है ताकि लोग उसके टैलेंट को भी पहचान सकें कि वहाँ पर वो एक्टर भी पहुँचाता है जिसे यो ने टैक्सी से उतरकर कॉल किया था, ये दिखाने के लिए कि वो रातों रात कुछ भी कर सकती है। और ये देखकर सीईओ फिर उससे काफी इम्प्रेस होकर डील फाइनल भी कर देता है, जिसके बाद सीईओ यो को फिर एक बिल्डिंग दिखाते हुए कहता है मैं यहाँ पर एक्सयू नाम का नया शोरूम खोलना चाहता हूँ, लेकिन इस बिल्डिंग में एक पुरानी हैंडमेड जूते की फैक्ट्री है जिसमें यहाँ के रहने वाले लोग काम करते हैं जो कि इसे खाली करना चाहते ही नहीं है। यो कहती है कि ये तो आप मुझ पर ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सीन में हम सोंगसियू मार्केटिंग कंपनी और एम्प्लॉयज को यो के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जहां पर आधे लोग उसकी तारीफ और आधे लोग उसे जलने के कारण ये बोल रहे होते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े लोगों के साथ में नाइट स्पेंड करती हैं। यो भी ये सब कुछ सुन रही होती है लेकिन उसको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे बस अपना काम जो करना था। जहाँ पर फिर उसके पास कंपनी की चीफ डायरेक्टर मिलने के लिए आती है जो कि उसे इस प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन देते हुए कहती है कि एक्सयू कंपनी का सीईओ पहले एनिमल टेस्टिंग के लिए पकड़ा गया है और बिल्डिंग वाले आसानी से बिल्डिंग नहीं देंगे, ये सब कुछ तुम अच्छे से संभाल तो लोगी ना। तो ये उन्हें कहती है कि हाँ, ब्रांडिंग करना हमारा काम है और ये हम जरूर करेंगे। नेक्स्ट डे हम सोंगसियू के एम्प्लॉयज और जूते की फैक्ट्री वाले लोगों को बिल्डिंग के लिए लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर सोंगसियू वाले उन्हें समझा रहे होते हैं कि वो बिल्डिंग खाली कर दें, लेकिन फैक्ट्री वाले तो प्रोटेस्ट करने में ही लगे हुए थे कि तभी सोंगसियू वाले अपने एक इंटर्न को फैक्ट्री वालों की तरफ से प्रोटेस्ट करते देखकर उसे पूछते हैं कि वो उनका साथ क्यों दे रहा है। जहाँ पर गाइस हम मिलते हैं कहानी के मेन लीड यानी कि सोउन को, जो कि सोंगसियू में इंटर्नशिप कर रहा होता है, लेकिन उससे गरीबों का दुख नहीं देखा जाता और इसलिए वो फैक्ट्री वालों के साथ प्रोटेस्ट करने में लगा हुआ था। लोग उसको समझते हैं और इसीलिए वो अपनी कंपनी में पैम्पलेट भी बांट रहा होता है कि तभी उनका सीनियर आकर उसे ये सब कुछ रोकने के लिए कहता है कि ऐसा करने से उसको यहाँ जॉब नहीं मिलेगी और साथ ही यो भी तुमसे फिर कभी बात नहीं करेगी। सोन बोलता है कि वो स्कूल और कॉलेज में मेरी सीनियर थी और मैं उसे जानता हूँ, मैं उससे जरूर बात करूंगा कि वहाँ पर। तभी यो उसके पास आकर कहती है कि जो भी बात तुम्हें करनी है ना मेरे ऑफिस में आकर कर लो।
जिसके पास 100 यूनिट्स के ऑफिस में पैम्पलेट देते हुए कहता है कि अगर फैक्ट्री के लोगों को वहां से निकाल दिया गया तो उनके पास रहने और खाने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। और साथ ही एक्सिव कंपनी जो कहती है उसके प्रोडक्ट वेगन है, लेकिन भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है और वो पहले भी एनिमल टेस्टिंग केस में फंस चुकी है। जिसकी बात उसे परेशान होकर यो उससे कहती है कि गरीबों के हक के लिए अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो ये जॉब छोड़ दो, लेकिन हमारा काम ब्रांडिंग करना है और इसीलिए हमें बाकी सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लैशबैक से फिर सायुन के कॉलेज का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर यो मार्केटिंग स्पीच देने के लिए आई हुई थी। सोन उससे बोलता है कि मुझे भी मार्केटिंग कंपनी में काम करना है, लेकिन उनके साथ जो कि गरीबों की हेल्प करे। और ये सुनकर यो उससे कहती है कि फिर तो हमारी कंपनी तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि हम मार्केटिंग करते हैं। ये सब को सुनकर सायुन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और अब सीन प्रिजन में शिफ्ट होता है। यो सोयुन का नंबर लेते हुए उसे कहती है कि जब मैं तुम्हें कॉल करूँ तब आना और फिलहाल के लिए यहाँ से जाओ। नेक्स्ट सीन में सॉन्गी का डिजाइनर जुंगवू यो को फिर कुछ डिजाइन दिखाता है और यो उन डिजाइन को फिर से बनाने के लिए कहती है और थीम नेचुरल रखने के लिए भी बोलती है क्योंकि सोयुन और लोगों को वो प्रूफ चेक करना चाहती थी कि एक्सिव कंपनी वेगन है। और वहीं दूसरी तरफ सोयुन अपनी टीम के साथ में डिनर कर रहा होता है जहां पर उसके दोस्त उसे यो से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो अपने काम के बीच किसी को भी नहीं आने देती। साथ ही उनकी इस कंपनी में सबसे ऊपर वही है। फिर मिस्टर नाम जो कि हमेशा से उसके काम में टांग अड़ाते हैं, जिसके बाद डिजाइनिंग टीम संभालता है जॉनवू। लास्ट में आती है प्लानिंग टीम जो कि बेसमेंट में काम करती है। और यहाँ तक हमने तो ये भी सुना है कि वो लोग स्ट्रेस को कम करने के लिए लड़कों के साथ में नाइट स्पेंड करती है। और इसी टाइम पर यो का मैसेज सोनवू के पास आता है, उसे बुलाती है। ये देखकर तो वो तीनों ही शॉक हो जाते हैं। सोनवू फिर उसकी बुलाई जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सिर्फ कपल्स ही जा रहे होते हैं, तो वो काफी डर जाता है। यो को फोन करके वो उसे कह रहा होता है कि अपने एम्प्लॉय को सेक्सुअली यूज करना एक क्राइम है, लेकिन यो तो उसकी बातों को सीधा इग्नोर मारकर उसे ऊपर आने के लिए बोलती है जहां पर वो सीईओ के साथ में होती है और उसे प्रूफ दिखाने को कहती है कि आपकी कंपनी बिल्कुल वेगन प्रोडक्ट्स बनाती है। सीईओ भी फिर सोयुन को कुछ प्रूफ दिखाकर सेटिस्फाई कर देता है कि उनकी कंपनी वेगन प्रोडक्ट ही बनाती है और ये देखकर सोयुन तो खुश हो जाता है। जिसके बाद यो और सोयुन साथ में घर जा रहे होते हैं जहां पर यो से समझाती है कि अगर तुम्हें गरीबों की हेल्प करनी ही है तो उसके लिए तुम्हें खुद भी किसी कंपनी का बॉस बनना होगा। किसी और की कंपनी में काम करते हुए गरीबों की हेल्प तो तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही फिर सोनू उसे बोलता है कि ये तुम्हारी पुरानी सोच है, उसे गुस्सा आता है और वो उसे बीच में उतार कर ही वहाँ से चली जाती है। और बाद में उसे मैसेज करके बताने लग जाती है कि कल उसे एक्सो कंपनी जाकर चेक करनी है। जैसे ही फिर यो अपने घर पहुंचती है तो सारी लाइट्स ऑफ देखती है और फिर उसे पैनिक अटैक आने लग जाते हैं क्योंकि दोस्तों उसे अंधेरे से डर जो लगता था। जिसके बाद वो दवाइयां लेकर खुद को संभालती है। नेक्स्ट डे सोनू एक्सयू जाने से पहले यो से मिलने के लिए आता है जहां वो उसे देखते ही खुशी से आगे बढ़ जाता है और एक कार से टकराने ही वाला होता है, लेकिन यो फिर उसे पकड़ लेती है और अचानक से ही उसे छोड़ भी देती है और उसे पूछती है कि वो एक्सयू कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग देखने के लिए क्यों नहीं गया था। तो सोनू उससे पूछता है कि पक्का ना हमें उस कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यो बोलती है कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसे जल्दी जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद सोनू मैन्युफैक्चर कंपनी में जाकर काम करने लग जाता है जहां पर उसे कुछ बॉक्सेस में घास दिखाई देती है और जैसे ही वो वहां की एम्प्लॉय से पूछता है तो वो उसे बोल देते हैं कि ये हम प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ से यो को कॉल करके सोनू के बारे में पूछने लग जाता है कि कहीं वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी कर देगा। यो भी फिर उन्हें रिलैक्स करने के लिए बोलती है। जिसके बाद जुंगवू एक्सयू की न्यू डिजाइन यो को दिखाता है जो कि उसे काफी पसंद आती है और दोनों फिर एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज खड़े हुए होते हैं। ये देखकर युमी को जलन हो रही होती है क्योंकि दोस्तों युमी जुंगवू को काफी लाइक जो करती थी, लेकिन भाई यहाँ पर तो जुंगवू यो को लाइक करता था। वहीं दूसरी तरफ सोयुन घर लौटने के लिए जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि वो तो अपना फोन फैक्ट्री में ही भूल गया है। और जैसे ही वो फैक्ट्री जाता है देखता है कि रात हो चुकी है, सब लोग जा चुके थे और उसे अपना फोन भी वहीं मिल जाता है। लेकिन दोस्तों उसी टाइम पर वहां पर कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और जैसे ही वो देखता है तो वहां पर एक रैबिट होता है। थोड़ा बहुत सर्च करने के बाद उसे एक रूम मिलता है जिसे खोलते ही वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे रैबिट पिंजरों के अंदर बंद थे। ये देखते ही वो हैरान हो जाता है कि सीईओ ने उसे झूठ बोला था कि वो लोग एनिमल टेस्टिंग नहीं करते हैं और वहां की सारी वीडियो वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और जाकर सारी की सारी
वीडियो को दिखाते हुए कहता है कि हमें उनके साथ में काम नहीं करना चाहिए। यो भी फिर सारी फुटेज और वीडियोस अपने फोन में सेंड करके सोनवु के फोन से सारी की सारी डिलीट करने के लिए बोलती है कि हम इसके पैसे ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मार दूंगी। वैसे भी अब ये मेरा काम है और मैं अपनी पूरी जान लगाकर ये काम जरूर करूंगी। ये बोलते ही वो तो उसे वहां से भगा ही देती है, जिसके जाने के बाद यो के सर में दर्द होने लग जाता है और उसे घंटे की आवाज सुनाई देती है। अचानक से कुछ याद आने लगता है और वहीं सोनवु वहां से निकलकर एक टेंपल जाकर वहां की लगी घंटी बजाता है। और दोस्तों, इसी के कारण यो को प्रॉब्लम हो रही थी, जिसका साफ मतलब यही है कि इनका इस घंटी से कुछ तो कनेक्शन है। जिसके बाद यो फिर उस सीईओ को जाकर सारी वीडियो और फुटेज दिखाकर पूछती है कि उसने ये सब कुछ उससे क्यों छुपाया। तो सीईओ से कहता है कि वैसे भी मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और इनको छुपाना तुम्हारा काम है। यो उसे सब कुछ क्लियर करने के लिए और ज्यादा पैसे मांगती है और सीईओ उसे दे भी देता है और साथ ही बोलता है कि मेरी कंपनी का राज बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट डे सोनवु फैसला कर लेता है कि एक्सी की सच्चाई वो खुद सबके सामने लेकर आएगा और इसलिए वो दोबारा से फैक्ट्री जाता है। जैसे ही वो रूम चेक करता है, वहाँ पे पहले जैसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पे कोई भी जानवर नहीं होता है। और ये देखकर फिर एक एम्प्लॉय उसे कहता है कि हम कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं करते हैं और इसीलिए तो हमें ब्रांडिंग के शोरूम बनाने की परमिशन मिली है। ये सब को सुनकर सोनवु तो काफी शॉक हो जाता है कि ये आखिरकार कैसे हो सकता है, वहाँ के लोग अब कहाँ रहेंगे। जहाँ पर दोस्तों ये भी पता लगता है कि उस ब्रांडिंग के ओनर ने सीईओ को वो बिल्डिंग ऑलरेडी दे दी थी। साथ ही सोनवु कंपनी ने वहां के प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को बहुत सारे पैसे देकर एक एग्रीमेंट पर भी साइन करवा लिया है कि उन्हें यहां शोरूम बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उन सब में से एक वर्कर जिसका नाम मिस्टर ली है, वो अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि जूते बनाना ही उनकी लाइफ बन चुकी थी। युमी फिर मिस्टर ली के बारे में जाकर यो को बताती है, तो यो मिस्टर ली की बेटी की फेसबुक आईडी चेक करके युमी से बोलती है कि तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती हो ना। ये बोलते ही वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी मिस्टर नाम जो कि उनकी बातें सुन रहे होते हैं, वो युमी को भड़काने लग जाते हैं कि यो और तुम दोनों के दोनों एक साथ ही कंपनी में आए थे, लेकिन अपनी प्रमोशन मिलते ही वो तो तुम्हें अपना सर्वेंट ही समझने लगी और इसलिए तुम जरा उससे बच कर रहना। वहीं दूसरी तरफ यो मिस्टर ली के पास आकर उनकी बेटी का हवाला देते हुए उसे काफी सारे पैसे भी ऑफर करने लग जाती है कि मिस्टर ली उसे गुस्से में अपना चाकू निकालकर उसे डराने लगते हैं। सोयुन आकर मिस्टर ली का हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि चाकू सोयुन के सर पर लगता है और ये देखकर तो मिस्टर ली वहां से भाग ही जाते हैं, क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहते थे, वो तो बस उन्हें डरा रहे थे। जिसके बाद यो सोयुन को संभालते हुए कहती है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण ही इन सारे गरीबों को पैसे मिल गए हैं। और यहाँ से गाइस ये पता लगता है कि जब सीईओ ने यो को बिल्डिंग दिखाई थी ना, वो तो फिर उसी टाइम पर समझ गई थी कि ये लोग प्रोटेस्ट तो जरूर करेंगे, जिसके लिए पैसों की भी जरूरत होगी, और लेकिन सीईओ बहुत ज्यादा कमीना है, वो फालतू तो पैसे नहीं देगा। और इसीलिए जब सोयुन को बहुत सारे सबूत मिल गए थे उनके खिलाफ, तो उसने सारे के सारे सबूत दिखाकर सीईओ को ब्लैकमेल करके उससे काफी सारे पैसे भी निकलवा लिए थे और सब गरीबों में बांट दिए थे। ये सब कुछ सुनकर दो सोनवु से पूछता है कि ये तो ठीक है, लेकिन उसका क्या होगा, एक्सयू कंपनी एनिमल के साथ में क्या कुछ करी है। ये सब कुछ सुनकर ये उसे कहती है कि लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो कंपनी वेगन है। ये देखते ही सोनवु को काफी शॉक लगता है और वो समझ आता है कि वो अपने लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नेक्स्ट सीन में एक्सयू कंपनी का शोरूम फाइनली ओपन हो जाता है, जिसे देखकर सभी खुश होते हैं और सीईओ भी इसी खुशी में पार्टी भी देने लगता है। पार्टी में यो एक ब्यूटीफुल सा रेड ड्रेस पहन कर आ जाती है, जहां पर जंगू बार बार उसी को देख रहा होता है। और भाई ये देखकर तो युमी को काफी जलन होती है और इसी का फायदा उठाकर मिस्टर नाम उसे फिर से भड़काते हैं कि वो अब जंगू को भी तुमसे छीन लेगी। और वो जंगू को भी जाकर भी भड़का रहे होते हैं कि यो का सोनवु के साथ में अफेयर चल रहा है। ये सब कुछ देखकर सोनवु को काफी बुरा लगता है। और वहीं दूसरी तरफ वहां पर एंट्री होती है सोनवु की, जो कि अपने ब्लैक सूट में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। यो भी सोनवु से कहती है कि तुम्हें पास के बारे में सब भूल जाना चाहिए। तो सोनवु उससे कहता है कि जिस तरह तुम अपने काम के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो ना, मैं भी जा सकता हूँ। मैंने एक्सयू फैक्ट्री के सारे सबूतों की कॉपी रख ली थी। तो यो उससे पूछती है कि तुम आखिरकार चाहते क्या हो। सोनवु अपना फोन पानी में फेंकते हुए कहता है कि मुझे बस तुम चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक आदमी यों के ऑफिस में घुसकर एक्सयू के सारे सबूत उसके लैपटॉप से जो कि उसने कॉपी करके रखे होते ना वो सब रिपोर्टर्स को भेज देता है। और नेक्स्ट डे ये सारी न्यूज सभी जगह फैल जाती है कि एक्सयू एनिमल टेस्टिंग करती है। इन सब को लेकर सीईओ से सवाल किए जाते हैं तो सारा का सारा इल्जाम वो यो पर ही डाल देता है कि उसने ही मुझे ये राज रखने को कहा था कि इससे मार्केटिंग अच्छी होगी। ये न्यूज यो के हायर मैनेजर और ओनर तक जाती है और इसी कारण से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसकी वजह से मार्केटिंग कंपनी भी काफी बदनाम हो गई थी। ये देख कर सबसे ज्यादा खुशी तो युमी को ही होती है जो कि शायद अब उसके दुश्मन बन चुकी थी। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में यो ड्रिंक कर रही होती है, बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि उसने बहुत सारी मेहनत की थी, दिन रात एक कर दिया था तब जाकर उसे इतनी कामयाबी मिली थी, लेकिन अब वो सब कुछ एक ही रात में तबाह हो गया था। और उसके बाद उसे याद आता है कि सोयुन ने सबके सामने अपना फोन पानी में फेंका था, सो इसीलिए हो सकता है कि किसी ने उसका फोन उठाकर सारे सबूत तो लीक नहीं कर दिए। यही चेक करने के लिए वो बिल्डिंग आती है जहाँ वो देखती है कि फोन तो अभी भी पानी में ही पड़ा था, जहाँ पर एक बनी मास्क पहना हुआ एक बंदा यो के ऊपर पीछे से हमला करने लग जाता है। दोनों में फाइट होती है जिससे कि ये तो पानी में ही गिर जाती है और उसकी जैसे ही आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है, लेकिन जैसे ही वो खुद को मिरर में देखती है शॉक हो जाती है क्योंकि दोस्तों उसकी सोल सोयुन की बॉडी से एक्सचेंज हो गई थी और सोयुन की बॉडी में ट्रांसफर हो गई थी। डॉक्टर से वो पूछती है कि उसे क्या हुआ तो डॉक्टर सोयुन के बारे में उसे बताते हैं कि तुम्हारा दिल अचानक से रुक गया था और एक महीने से तुम हॉस्पिटल में ही हो। सोयुन भी फिर उनसे यो के बारे में पूछता है तो डॉक्टर से बताते कि वो भी एक महीने से कोमा में पड़ी है और उसे देखकर उसे यो की याद आने लग जाती है कि लड़ाई में उसने खुद को बचाने के लिए बनी मास्क वाले आदमी के हाथ में बहुत जोर से नाखून मारा था जो कि दोस्तों सोयुन के हाथ पर होता है वो निशान, और ये देखकर वो शॉक हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद यो जिसकी बॉडी में अब सोनू होता है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। यो भी फिर अपने घर जाती है लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता क्योंकि वो तो सोनू की बॉडी में थी ना, जिसके बाद वो सीधा सोनू के घर में ही चली जाती है और सोचने लग जाती है कि आखिरकार उसे मारा किसने होगा। नेक्स्ट डे फिर यो रेडी होकर सैमसंग कंपनी पहुंचती है क्योंकि भाई जॉब से तो यो को निकाला गया था ना सोनिन को थोड़ी। जैसे ही वो ऑफिस जाती है देखती है कि यो की जगह युमी थी और उसने यो के साथ में काम करने वाले सभी लोगों को प्लानिंग टीम में ट्रांसफर भी कर दिया था। और ऐसा दोस्तों उसने इसीलिए किया था क्योंकि वो लोग युमी को नापसंद जो करते थे, कोई भी प्लानिंग टीम में काम नहीं करना चाहता था और इसीलिए सभी लोग रिजाइन देकर वहाँ से चले गए थे। वहीं हम युमी को कॉल पर बात करते हुए देखते हैं जो कि यो के बारे में बोल रही होती है कि कहीं वो वापस से उठ तो नहीं जाएगी। जिसके बाद सोयुन को वो अपने ऑफिस में बुलाकर बोलती है कि यो का सीईओ के साथ में चक्कर चल रहा था और ना जाने कितनों के साथ में उसका अफेयर रहा होगा। ये सुनते ही सोनियो की बॉडी में ये बोलती है कि ये सारी हरकतें उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी हैं। युमी उसे कहती है कि अगर यो की तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो शू फैक्ट्री वाला केस आज तुम ही देखोगे और उसे ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी होगा। यो फैक्ट्री चेक करने के लिए पहुंच जाती है जहां पर मिस्टर ली सोनवू का कॉल पकड़ के उसे पूछ रहे होते हैं कि वो यहां पर आखिरकार क्या लेने के लिए आया है कि तभी यो उसके हाथ पर वही निशान देखती है दोस्तों जो कि सोनू के हाथ पर भी था और वो काफी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसे किसने मारा होगा। जिसके बाद वो मिस्टर ली के टेबल से चाकू उठाकर अपने पॉकेट में डाल लेती है और उन्हें बताती है कि हमारी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा था और इसलिए मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ और अब से हम आपकी शूज की ब्रांडिंग और मार्केटिंग दोनों ही करेंगे। नेक्स्ट सीन में यो अपना सामान लेकर प्लानिंग टीम में पहुंच जाती है जहां पर प्लानिंग टीम के मैनेजर जूरी जो कि 15 साल से कंपनी में काम कर रही होती है, लेक्स जो कि एक गे है और जेनी जिसे हमेशा ही सोशल मीडिया का बुखार रहता है, वो तीनों ही उसका वेलकम करते हैं जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और तो और इन तीनों ने कभी भी कोई भी काम सही से नहीं किया और इसीलिए यो ने उन्हें प्लानिंग टीम में डाल दिया था। यो फिर उन तीनों को मैनेजर बनकर बताती है कि उन्हें युमी ने शू फैक्ट्री की ब्रांडिंग का काम दिया है तो इसीलिए हमें एक हफ्ते में ही उसकी सारी प्रेजेंटेशन देनी है। जिसके बाद वो उन तीनों को काम देने लग जाती है। जूरी सभी सेलिब्रिटीज को कॉल करके ब्रांडिंग के लिए पूछे, जेनी इसको सोशल मीडिया पर शेयर करे और जूरी इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट रेडी रखे। वहीं दूसरी तरफ युमी ने प्रमोशन मिलने की खुशी में सभी सेलिब्रिटीज को पार्टी दी हुई होती है और वहीं एक लेडी उसे बताती है कि उसे उसकी कंपनी के हैंडमेड शूज की ब्रांडिंग के लिए कॉल आया था।
युमी तो उसके लिए मना ही कर देती है। और दोस्तों वही वो बनी वाला एक्टर बैठा हुआ था जिसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो युमी उसे कहती है कि तुम उसके साथ में सोए थे ना और इसलिए तुम्हें अब काफी बुरा लग रहा है। जिसके बाद वो आदमी युमी के ऊपर ही ड्रिंक्स डालकर वहाँ से जाने लग जाता है। ये देखते ही युमी भी चिल्लाती है तो जुंगवू उसे अपने साथ में घर ले आता है। और तो और उसे रास्ते में भी लोग कॉल पर शूज की ब्रांडिंग की बात कर रहे होते हैं, जो कि सबको इनकार करने लगती है कि वो इससे अच्छी एड उन्हें दिलवा देगी। जैसे ही फिर जुंगवू से पूछता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है, तो युमी बोलती है कि उसे यो के बॉयफ्रेंड यानी कि सोनवू से बहुत ज्यादा नफरत है और इसलिए जुंगवू से भी कहता है कि लेकिन वो तो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। नेक्स्ट सीन में यो फिर एक वीक बाद शू ब्रांडिंग की प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन युमी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो सबके सामने उसकी हंसी उड़ाने लगती है, जिससे कि यो को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तो प्लानिंग टीम के मेंबर उसका मूड सही करने की काफी कोशिश कर रहे होते हैं और वो तो लेकिन उन पर ही चिल्लाने लगती है। वो अपना सारा गुस्सा उनके ऊपर निकालते हुए कहती है कि तुम लोग ही लूजर्स हो। लेक्स बोलता है कि ये बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। यो फिर उसकी और भी ज्यादा बेइज्जती करने लग जाती है, लड़कियों के कपड़े पहनकर नाचने वाला आदमी मुझे ना ही बताए तो अच्छा होगा, और ये बात उसे काफी ज्यादा बुरी लग जाती है। नेक्स्ट सीन में यो फिर अपनी बॉडी को हॉस्पिटल देखने के लिए जाती है और सब कुछ याद कर रही होती है कि लास्ट टाइम उसने और सोनवू ने किस किया था और शायद इसीलिए उनकी बॉडी भी स्वैप हो गई है, तो अगर वो ऐसा दोबारा करे तो शायद वो पहले जैसी हो जाएंगे। जिसके बाद दोस्तों वो अपनी बॉडी को किस करने की कोशिश करती है, तो जहाँ पर फिर जुंगवू पहुँच जाता है और उसे बोलता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। जुंगवू यो से जो कि सोनवू की बॉडी में होती है उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है, तो वो उससे कहती है कि मैं यो का बॉयफ्रेंड हूँ और वो मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनते ही जुंगवू काफी गुस्सा हो जाता है। यो से बोलती है कि ये फालतू में केयर करने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो मुसीबत में थी तो तुम उस टाइम पर कहाँ थे। जुंगवू बोलता है कि मैं भी तभी से परेशान हूँ जब से वो स्विमिंग पूल में गिरी है, जो कि मैंने ही पार्टी में बनवाया था। यो फिर उसके हाथ पर गौर करती है जहाँ उसके भी सेम वैसे ही निशान था, रैबिट मास्क वाले जैसा। नेक्स्ट डे यो उसी बिल्डिंग में जाकर सब कुछ रिवाइंड करने लग जाती है कि कैसे क्या क्या हुआ था, और उसे वहाँ पर सोनवू का फोन भी मिल जाता है जिस पर फ्लोरोसेंट ग्रीन पेंट लगा हुआ था, जो कि लीन के काम करने वाले चाकू में भी था। चाहे वो याद करने लग जाती है कि ये पेंट तो पार्टी में भी यूज हुआ था, जब मेरी मास्क वाली बंदे से फाइट हुई थी तब मैं नीचे पानी में गिर गई थी और मेरे पेंट भी लग गया होगा और लीन ने अपने चाकू से मुझे बचा लिया होगा, जिस वजह से उसके चाकू पर भी पेंट लग गया है। और उसके बाद वो लीन से मिलने के लिए जाती है, बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने यो को मारा नहीं बल्कि उसे बचाया है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया है, जबकि वो तो तुम्हारा काम बंद करवाना चाहती थी। जहाँ पर गाइस फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि जब यो पानी में गिरी थी ना, लीन ने उसे अपने चाकू से उसी स्विमिंग पूल की फाड़ कर यो को बचा लिया था। और तो और उसी के फोन ने एम्बुलेंस भी बुलाई थी, जिसके कारण उसके चाकू और कपड़ों पे पेंट लग गया था। और उसके बाद लीन कहता है कि यो सही ही बोलती थी कि मेरे इन पुराने शूज को कोई भी नहीं खरीदेगा। और फिर उसी टाइम पर यो को एलेक्स का मैसेज आता है कि अगर मैं ड्रैग क्वीन हूँ तो इसमें बुरा क्या है। ये देखकर वो लिन से कहता है कि हर चीज हर किसी को पसंद आ जाए ये तो जरूरी नहीं है कि। तभी उसके दिमाग में ब्रांडिंग का आइडिया आने लगता है और वो एलेक्स के पास जाकर उसके शूज का साइज उससे पूछता है। वही ड्रैग क्वीन बातें कर रही होती है कि लड़कियों के शू हमारे पैर खराब कर रहे हैं, जहां पर तभी लेन और बाकी काम करने वाले सभी ड्रैग क्वीन को उनके साइज के शू बनाकर देने लगते हैं। जिसके बाद ड्रैग क्वीन का शो होता है जिसे जेनी लाइव दिखाती है, और ये देखकर सभी को उनका शो काफी अच्छा लगता है। सभी ड्रैग क्वीन अपने साइज के शू पाकर काफी खुश थे और वही युमी ये देखकर काफी ज्यादा जल जाती हैं। वही हम रैबिट मास्क वाला आदमी यो के नाखून काट कर सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि यो ने उसे नोचा जो था जिसका ब्लड उसके नाखूनों में रह गया था, जिसके कारण उसे डीएनए में पकड़े जाने का काफी डर भी था। और उसके बाद यो को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि यो की तबीयत बिगड़ रही है, यानी कि यो की बॉडी की जिसमें की सोनवू है अभी। और वो अपनी बॉडी देखने के लिए जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहाँ पे उसकी किसी से टक्कर हो जाती है, और जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो आदमी के हाथों में रैबिट वाला मास्क था। वो जैसे उसके पीछे जाती है लेकिन वो मास्क वाला आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है। यो भी वहाँ पे सोनवू की बॉडी का फायदा उठाते हुए उसे मास्क वाले को धक्का मारती है और मास्क उतार कर उसका फेस देखने वाली होती है, लेकिन तभी उसका सर बहुत तेज दर्द होने लग जाता है और मौका पाते ही वो आदमी वहाँ से भाग भी जाता है।
जिसके बाद वो डॉक्टर से आकर यह के बारे में पूछता है तो ये पता लगता है कि उसे तो शॉक लगा था। डॉक्टर के जाने के बाद यह को लिन का मैसेज मिलता है जिसमें वो बताता है कि मुझे तो ये बताया गया है बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी में मेमोरी कार्ड नहीं है, लेकिन पुलिस ने मुझे बताया कि उसमें कार्ड है और वो उसी से केस की इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। वेल तो फिर नेक्स्ट डे यूमी भी एक न्यूज इंटरव्यू दे रही होती है जहां उसे ड्रैग क्वीन की वायरल वीडियो के बारे में पूछा जाता है, जिसे सुनते ही यूमी तो उसका सारा क्रेडिट अपने आप ही लेने लग जाती है। और उसके बाद उसे यो के बारे में पूछा जाता है तो वो जवाब देती है कि मुझे पहले भी लगा ही था कि उसने डिप्रेशन की वजह से ही सुसाइड किया होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा है कि वो तो उस दिन काफी नशे में थी और अपने आप ही नीचे गिर गई थी। जहाँ पर उसी टाइम पर एक क्लिप चलाई जाती है, यो अकेली बिल्डिंग में थी और अचानक से ही वो नीचे गिर गई थी जहाँ पर कोई भी बनी मास्क वाला आदमी था ही नहीं। ये देखते ही यो भी समझ जाती है कि किसी ने ये बोला था कि सीसीटीवी में मेमोरी कार्ड नहीं है, जिसका साफ मतलब तो यही हुआ कि उसने कार्ड निकालकर वीडियो को एडिट कर डाला है। ये सब कुछ देखते ही यूमी के पास आकर वो उससे पूछती है कि ये सब कुछ वो क्यों कर रही है, तो यूमी उससे कहती है कि क्या बात कर रहे हो, सच तो वही है जो कि सपने देखा। जहाँ पर तभी पूरे ऑफिस में हल्ला मचने लग जाता है शोर सुनकर। यो फिर नीचे आकर देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि यो की बॉडी यानी कि सोनवू भी ऑफिस में पहुंच गया था और अपनी बॉडी को देखकर बोलता है कि ये तो मेरी बॉडी है ही नहीं, मेरी बॉडी कहाँ है। सभी यो को देखकर हैरान हो रहे थे क्योंकि कल तक तो वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी और आज अचानक से वो ऑफिस में अच्छी खासी कैसे खड़ी है। जहाँ पर तभी यो सोनवू को साइड में लेकर जाती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। सोनवू भी उसे देखकर समझ आता है कि उसकी बॉडी यो ही है और वो फिर उसे पूछता है कि आखिरकार सब कुछ चल क्या रहा है। फिलहाल के लिए यो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और जाते हुए सोनवू को जुंगवू मिल जाता है जो कि उसे सवाल करने लग जाता है, लेकिन सोनवू उसे सीधा इग्नोर मारकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यो सोनवू से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि इसमें मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है और इसलिए याद कर लो ताकि लोगों को तुम पे शक ना हो। सोनवू से पूछता है कि क्या आखिर सच में तुमने नशे में सुसाइड किया था, और वो रैबिट मास्क दिखाते हुए कहती है कि नहीं बल्कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश की थी। और ये देखकर वो बोलता है कि तुमने एनिमल टेस्टिंग में साथ दिया ना और इसलिए वो अब तुमसे बदला ले रहे हैं। जिसके बाद यो और सोनवू यो के घर जाते हैं जहाँ पर सोनवू कहता है कि जब दो लोगों की सोल चेंज होती है तो उनका रीजन प्यार होता है। यो से बोलती है कि लेकिन मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती। सोनवू भी बोलने लग जाता है कि वैसे भी मुझे भी तुमसे प्यार नहीं है। यो उसके क्लोज आकर कहती है कि अच्छा उस दिन तो तुम्हें मेरा सब कुछ चाहिए था, फिर आज क्या हुआ, फिर क्या पता कि सोल चेंज होने के कारण खुद से प्यार करना हो तो क्या तुम खुद को किस करके अपनी बॉडी वापस नहीं चाहते। ये सुनते ही सोनवू बॉडी के लिए फट से मान जाता है, जिसके बाद दोनों में किस होता है और फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि जहां पर सोनवू दाओ नाम की लड़की से मिलने के लिए गया हुआ था जो कि टेंपल में खड़े होकर एक रैबिट से कह रही होती है कि अब मैं ये सब कुछ और नहीं कर सकती हूँ। सोनवू दाओ से मिलकर जाने लग जाता है तो उसका सर अचानक से दर्द होता है और वो ऑफिस पहुंचकर यो की डेस्क पर रखी हुई डायरी में शू फैक्ट्री लिखा हुआ पढ़ता है और वहां के लिए फटाक से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसका दर्द बहुत तेज हो जाता है और वो अचानक से गिर जाता है जिसके कारण से ही उसका हाथ पर चोट लग गई थी। फिर दोस्तों सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यो सोनवू से कहती है कि हमें आगे क्या करना है, इसकी प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए तुम मेरे रूम में आओ। नेक्स्ट डे फिर यो और सोनवू सीधा ऑफिस पहुंचते हैं जहां पर सब उनको देखकर काफी हैरान थे। यो सोनवू को यो की एक्टिंग करने के लिए बोलती हैं ताकि किसी को शक ना हो, और इसके बाद सोनवू डायरेक्टर से मिलने के लिए जाता है जहां पर सभी उसका बिहेवियर देखकर हैरान थे कि ये अचानक से यो को क्या हो गया है, और वो सबसे कहता है कि उसे प्लानिंग टीम में काम करना है। जहां पर तभी फ्लैशबैक से पता चलता है कि यो ने उसे पहले ही दो गोल्स पर फोकस करने के लिए कहा था, फर्स्ट की उसे मारने की कोशिश किसने की थी और सेकंड की उसकी पोजीशन वापस पाना है, और इसे प्लानिंग टीम ज्वाइन करने को कहती है ताकि वो दोनों साथ रह सके। यूमी भी फिर एक प्रोजेक्ट देकर सोनवू को प्लानिंग टीम में भेज देती है और सोनवू उस प्रोजेक्ट को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक सेक्स टॉय कंपनी की ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट जो था। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में सभी प्लानिंग टीम मेंबर्स को यो के आने की खबर मिल जाती है, जिसे देखकर वो लोग तो डरने ही लग जाते हैं क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत रूड जो था। जहां पर तभी यो सभी को काम पर लगने के लिए कहती है क्योंकि यो वहां पर आने जो वाली थी। जैसे ही सोनवू वहां पर आता है वो तो गिर ही जाता है। ये देखकर यो को काफी गुस्सा आने लग जाता है। सोनवू वहां पर आकर काफी खुश होता है तो यो उसे तमीज से रहने के लिए कहती है,
लेकिन सोनू को तो काफी मजा आ रहा था और वहीं युमी किसी को मैसेज करके पूछ रही होती है कि क्या वो यो को संभाल नहीं सकता। जिसके बाद यो फिर कहीं के लिए निकल जाती है जिससे मिस्टर नान देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में यो सोनू को बोल रही होती है कि उसे युमी पर शक है, जिससे कि सोनू कहता है कि लेकिन तुम दोनों तो काफी अच्छे दोस्त थे। यो फिर उसे बताती है कि कुछ लोग कुछ पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इंसान को नहीं देखते, और वैसे भी मेरा आप कोई फ्रेंड नहीं है। जिसके बाद यो ड्रिंक करने लगती है तो सोनू उसे रोकते हुए कहता है कि हमें पहले कुछ खा लेना चाहिए, और ये बोलकर वो उसे सुपर मार्केट लेकर जाता है जहाँ पे जुंगवू यो के लिए खाना लेकर पहुँचा हुआ था और उन्हें साथ में देख लेता है। जिसके बाद घर आकर सोनू यो को सैलेड देता है और उससे पूछता है कि ये आखिरकार यहाँ पर कब तक रहने वाला है। तो यो उसे बोलती है कि लगभग एक वीक, और दोस्तों वो तो फीमेल बॉडी में था और उसे फीमेल प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ जाती है, जिससे कि बेचारे को काफी प्रॉब्लम होती है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे प्लानिंग टीम टॉय कंपनी की सीईओ से मिलने के लिए जाती है, वहाँ उनके प्रोडक्ट देखने लगते हैं ताकि ब्रांडिंग हो सके। कि तभी यो को महसूस होता है कि उसके पीछे सोनू है, लेकिन जैसे वो पीछे देखते तो कोई भी नहीं होता, और वहीं सोनू किसी का साया देखकर डरकर भागने लगता है और सीधा जाकर यो से टकरा जाता है। यो फिर उसके और खुद के हाथ में हैंडकफ्स बांध लेती है। सोनू उसे खोलने के लिए कहता है और इसी टाइम पर दोनों फिर एक दूसरे के साथ बेड के ऊपर ही गिर जाते हैं। कोई तो वहाँ पर था जो कि उनकी क्लोजिंग वाली पिक्चर्स लेने लगता है, और वही मिस्टर नाम युमी को उसके साथ काम करने का ऑफर दे रहे होते हैं यो को हटाने के लिए, लेकिन युमी उनसे मना कर चली जाती है। नेक्स्ट डे यो फिर ऑफिस जाकर चेक करती है कि सभी उससे पहले पहुँच कर काम कर रहे थे, और उसके बाद सभी लोग सेक्स टॉय के सीईओ से मीटिंग करते हैं, जिसमें सोनू उनको अपना गेटअप चेंज करने के लिए कहता है ताकि वो थोड़ा प्रोफेशनल प्रोडक्ट के साथ वो भी प्रोफेशनल लगे, जिसके लिए सीईओ उसकी बात मानकर अपना गेटअप चेंज करवा लेती है। और नेक्स्ट डे यो सोनू और जूरी ब्रांडिंग की बिल्डिंग को देखने के लिए आते हैं, जहाँ पर उन्हें ये पता लगता है कि जिस बिल्डिंग में स्टोर वो लोग ओपन करने वाले थे उसे किसी और ने खरीद लिया है, और ब्रांडिंग में बस अभी एक ही दिन रह गया था। तभी वो लोग बैठ जाते हैं। जूरी के पेट में दर्द होता है, सोनू से फर्स्ट फ्लोर का मेडिकल छोड़कर सेकंड फ्लोर का मेडिकल यूज करने के लिए कहता है क्योंकि वो बंद हो गया था। जूरी वहाँ पर चली भी जाती है, लेकिन तभी ये उसे पूछती है कि वो मेडिकल तो रिसेंटली ही बंद हुआ है ना, क्योंकि वो तो चल ही नहीं पाया था। तो सोनू उसे हाँ बोलता है, जहाँ पर तभी यो को एक आइडिया आता है और वो जूरी को कॉल करके उस बिल्डिंग के ओनर की डिटेल्स निकालने के लिए बोलती है। सोनू को भी समझाती है कि वो बिल्डिंग अभी अभी बंद हुई है तो वो हमारे काम में भी आ सकती है। जिसके बाद वो दोनों फिर मेडिकल स्टोर जाकर देखते हैं, जहाँ पर अंदर सारा सामान फैला हुआ था। यो उसे कहती है कि हमें सब कुछ ठीक करना होगा। कि तभी एलेक्स यो को जल्दी से मैसेज करके आने के लिए बोलता है। सोनू और यो जब पहुंचते हैं तो एलेक्स उन्हें बताता है कि उसने टॉय कंपनी के लिए डिजाइन रेडी किए थे, लेकिन भाई वो तो टीम बनाकर डिलीट कर गई। और ये बात सुनकर तो सोनू को काफी गुस्सा आता है कि वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हैं। जहाँ पर तभी युमी पहुँच जाती है और कहती है कि क्यों नहीं कर सकते, मैं चाहूँ तो सब कुछ कर सकती हूँ, और अब तुम्हारी बिल्डिंग और डिजाइन मेरे पास ही है, और अगर वो तुम्हें चाहिए तो मेरे पैरों में गिरकर मांगो। ये सुनते ही सोनू गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर यो से रोकती है और युमी से कहती है कि ये सब कुछ करते हुए तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। तो युमी भी उसे कहती है कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। वेल तो फिर नेक्स्ट डे युमी अपने एम्प्लॉयज के साथ में यो का बुरा हाल देखने के लिए उसे बिल्डिंग में जाती है, लेकिन देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उस बिल्डिंग में बहुत भीड़ थी, क्योंकि यो ने पूरी मेडिकल स्टोर को काफी अच्छे से डेकोरेट करके नई स्टोर जो ओपन कर लिया था, जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। और उसके बाद युमी यो से बात करने के लिए जाती है। सोनू भी फिर उसे बाहर आकर बात कर रहा होता है, तो युमी कहती है कि प्लानिंग टीम इतने कम बजट में आखिरकार इतना महंगा रेंट कैसे दे रही है, कहीं बाद में तुम लोग फंसने तो नहीं वाली हो। और ये सुनकर तो सोनू उसे कहता है कि इसकी टेंशन तुम ना ही लो तो अच्छा रहेगा। फिर वो उसे लास्ट डे की बातें याद दिलाता है, जिसमें यूरी ने यो को कॉल करके उस बिल्डिंग के मालिक के बारे में बताते हुए कहा था कि वो अभी छुट्टी मनाने के लिए बाहर गया है, लेकिन उसकी वाइफ मेरी काफी अच्छी दोस्त है और मैंने उससे मेडिकल की बात कर ली है, जिसने बोला है कि वैसे तो हमें वो बंद करना था, लेकिन उन्होंने उसका एक महीने का रेंट भी भर दिया था, तो अगर हम चाहें तो उसे फ्री में 1 मंथ के लिए यूज कर सकते हैं।
और दोस्तों ऐसे उन्हें वो बिल्डिंग रातों रात मिल गई थी, जिसके बाद रात को जुंग वो आकर यो को सारे के सारे डिजाइन की पेन ड्राइव देते हुए कहता है कि ये मैंने डिजाइन किए थे और इसीलिए मैं जिसे चाहूँ ये दे सकता हूँ। और इस तरह से दोस्त उनके डिजाइन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी, जिससे कि उनका स्टोर भी सही टाइम पर ओपन हो गया था। ये सुनकर तो यमी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर तभी सोनवू यो से कहता है कि यमी अकेले ये सब कुछ कर ले ये तो पॉसिबल नहीं है, उसका कोई ना कोई जरूर साथ दे रहा है। ये देखने के लिए यो फिर उसका पीछा करती है और देखती है कि यमी अपनी कार की वजह किसी और के कार में बैठी है, जहाँ पर मिस्टर ना थे। यमी उनसे कहकर जाने लग जाती है कि वो उनसे मिलने नहीं आई है, जहाँ पर तभी मिस्टर नाम उसे एक वीडियो दिखाते हैं, जहाँ पर गाइस ये पता लगता है कि एक्सयू कंपनी के सारे एविडेंस यो के कंप्यूटर से यमी ने ही रिपोर्टर्स को भेजे थे। और ये सब कुछ देखकर मिस्टर ना ने रिकॉर्ड कर लिया था, तो यमी डरते हुए उनसे पूछती है कि आखिरकार वो चाहते क्या है। मिस्टर ना उनसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो, और ये बोलते ही वो तो उसे किस करने के लिए आगे ही बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पर तभी यो पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों को हाथ लगा देती है, जिससे कि सायरन बजने लग जाता है और ना यमी को बाहर निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। यमी कार से निकल कर वहीं बैठ कर रोने लग जाती है, और यो जो कि सोनवू की बॉडी का सही इस्तेमाल करते हुए उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया था। ये सुनते ही वो तो सीधा उसे हक ही कर लेती है और इसे अपनी बातों में फंसा कर वो उसे सच उगलवाने की कोशिश करती है। साथ ही वो उसे ये भी झूठ बोलने लग जाता है कि मैं यो से काफी परेशान हूँ और उसे बर्बाद करना चाहता हूँ, तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार उसे मारने की कोशिश किसने की है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। पहले तो यमी काफी रोने लग जाती है और साथ ही वो उसे बता भी देती है कि मैंने तो उसके सिर्फ एक्सयू वाली फाइल ही रिपोर्टर्स को भेजी है, मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की थी। और फिर वो उसे दूर होते हुए कहती है कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, और अगर तुम सच में मेरा साथ देना चाहते हो तो सुनो, सेग इंटरनेशनल जो हमारी कंपनी को ओन करती है उसका सीईओ जे हॉक हमारी कंपनी को एक प्रोजेक्ट देने वाला है, और अगर इसमें तुमने यो को बर्बाद कर लिया तो मैं तुम पे ट्रस्ट कर लूंगी। ये सब को सुनते ही यो सोचने लग जाती है कि आखिर यमी को ये बात कैसे मालूम चल गई कि जे हॉक हमें प्रोजेक्ट देने वाले हैं, कहीं वही तो यमी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जहाँ पर दोस्तों हम फाइनली इंट्रोड्यूस होते हैं कहानी के न्यू कैरेक्टर से, जिसका नाम जे हॉक है और जो कि सेक इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ है, जो कि उसके ग्रैंडफादर ने खोली थी, और ये तो कंपनी उनकी ही है और सोंगयू तो बस उनके बिजनेस की छोटी सी कंपनी है। जे हॉक बहुत टाइम से प्रोडक्ट बना रहा था लेकिन वो सेल नहीं हो रहे थे, जिसके बाद उसने अल्कोहल का बिजनेस डाला। साथ ही यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जे हॉक ने यो को एक प्रोजेक्ट भी दिया था जिसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो फिर उसने सारा का सारा इल्जाम यो और उसकी टीम पर ही लगा दिया था, जिस कारण से यो और जे हॉक की दुश्मनी हो गई थी। सुनकर तो यो को लगता है कि इसी के कारण वो यमी का साथ दे रहा होगा। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर नाम यमी से मिलने के लिए उसकी ऑफिस पहुंच आते हैं, तो यमी की वीडियो डालकर वो उसे एक्सपोज करने ही वाला होता है, लेकिन वहां पर तभी यो आकर उसको बहुत ज्यादा मारने लगती है क्योंकि वो सोंगू की बॉडी में जो थी, और वो सारे के सारे वीडियो खुद को भी सेंड कर लेती है, जहाँ पर उसे और भी बहुत सारी लड़कियों की वीडियोस मिलती हैं और उसके साथ वो उन्हें भी सेंड कर लेती हैं। जिसके बाद जब वो घर आती है तो देखती है कि सोनवू उसके कमरे के बाहर बेहोश पड़ा हुआ है, और वो उसे उठाती है और उसे पूछती है। सोनवू बोलता है कि मैं तो यहाँ पर बस कपड़े लेने के लिए पहुंचा था, लेकिन उसी टाइम पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और मैं बेहोश हो गया। यो उसे समझाते हुए कहती है कि उसे पैनिक अटैक पड़ रहा है क्योंकि उसे अंधेरे से डर जो लगता था। वेल तो फिर नेक्स्ट डे जे हॉक अपनी कंपनी आता है, जहाँ पर सोनवू उसका काफी अच्छे से वेलकम करता है क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था, जहाँ पर जे हॉक कहता है कि मैं तो तुम्हें भूल ही गया था कि तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ था। सोनवू भी थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर उसे याद आता है कि वो तो यो की बॉडी में है, और उसके बाद वो बहाना बनाते हुए कहता है कि एक्चुअली ना मेरा एक काफी बुरा वाला एक्सीडेंट हो गया था जिससे कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई। जे हॉक काफी खुश होते हुए बोलता है कि वैसे जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, तुम अभी भी जिंदा हो और मरी नहीं, तो अगर अब तुम मेरे सामने ही हो तो तुम मुझे ये बताओ कि ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दूं या यमी को। यो उसे बोलती है कि दोनों को ही दे दीजिए और उसके बाद आप देखिएगा कि किसका प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा था। जे हॉक सोनवू के बारे में पूछता है कि ये कौन है, तो यमी उसे बताती है कि ये एक न्यू मेंबर है। यो बोलती है कि पहले आप दोनों टीमों की प्रेजेंटेशन देख लीजिए और उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा कि प्रोजेक्ट किसको मिलना चाहिए।
दोनों की दोनों टीम अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है, जिसके बाद सोनू की टीम आती है जिन्हें की इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। प्रेजेंटेशन तो खैर दूर की बात थी, और फिर इसी गुस्से में जे हैक जैनिंग की काफी बेइज्जती करने लग जाता है क्योंकि उसने उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए जो कहा था। जैनी वहां से रोते हुए चली जाती है, जिसके बाद जे हैक दोनों टीमों की प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा टाइम देकर वहां से चला जाता है, और उसके बाद सभी जैनी को शांत कराते हैं, लेकिन वो तो उनके ऊपर ही गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। यो वहां पर आती है और सोनू उसे साइड में ले जाकर सवाल करने लगता है कि आखिर वो करना क्या चाहती है, और इसी टाइम पर यो के पास युमी की कॉल आती है जो कि उससे मिलने के लिए चली जाती है, जिसके बाद सोनू जूरी और एलेक्स के साथ में मार्केट में पता लगाने के लिए जाते हैं कि सेंग सोजो की सेलिंग इतनी कम क्यों हो गई है, और वो लोग अलग अलग ब्रांड की सोजो टेस्ट करके देखने लगते हैं जो कि सारी उन्हें सेम ही लगती है, लेकिन लोगों से फिर उन्हें ये पता लगता है कि लोग सेंग सोजो खरीदना ही नहीं चाहते हैं। और वहीं यो और युमी को उसी बनी वाले मास्क वाले एक्टर के साथ में हम देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर यो उसे सेंग सोजो के लिए ब्रांडिंग करने के लिए वो बोल रही होती है, लेकिन वो साफ इनकार करने लगता है, जहाँ पर तभी यो कहती है कि तुम्हारे सारे के सारे राज यो ने छुपाए थे जो कि सीक्रेट ही रहेंगे, और हम साथ में मिलकर यो को बर्बाद कर सकते हैं। जहाँ पर गाइस हमें ये पता लगता है कि वो एक्टर भी यो से बहुत ज्यादा नफरत करता था, उसे भी कुछ प्रॉब्लम थी उससे, जहाँ वो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें ट्रस्ट कैसे करूँ। यो फिर उसके सामने ड्रिंक करने लग जाती है, ये देखते ही वो भी ड्रिंक करने लग जाता है, दोनों ड्रंक हो जाते हैं, और उस एक्टर के ड्रंक होते ही यो फिर कॉन्ट्रैक्ट पर उसका थंब प्रिंट लगा लेती है, और जैसे ही वो जाने वाली होती है कि युमी के ऊपर बेहोश होकर गिर जाती है, और उसके बाद युमी नौ को सोनवू के घर ले जाकर बेड पर लिटा देती है। और वहीं दूसरी तरफ सोनवू जूरी और एलेक्स के साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, जहां पर तभी उन्हें जनी दिखती है जो कि एक बहुत बड़े आदमी के साथ थी और वहां पर ड्रिंक करने के लिए गई हुई थी, जिसके बाद सोनवू घर जाने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, किसी को देखते ही वो तो उसे सीधा बॉटल से ही मार देता है, लेकिन भाई वो तो जुंगवू था और बॉटल की वजह से जुंगवू के काफी खून निकलने लग जाता है, तो सोनवू फिर उसकी कार में बैठाकर उसे भट्टी करता है। जुंगवू उसके क्लोज आकर बस उसे किस करने ही लग जाता है, और वहीं यो भी नशे में युमी को अपने क्लोज करके उसे किस करने ही वाली होती है। युमी उसे रोकते हुए कहती है कि पहले तुम्हें यो को संभालना होगा, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनवू को भी तभी हिचकी आने लग जाती है, और वो झट से जुंगवू का जूस उठाकर पी लेता है। जुंगवू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीकर वहाँ से सीधा निकल जाता है, और जैसे वो घर जाकर अपना फेस देखता है तो चिल्लाने ही लग जाता है, क्योंकि दोस्तों उसे पीठ से एलर्जी जो थी। लेकिन भाई ये बात हमारी हीरोइन को कहाँ ही पता थी, जुंगवू भी उसे इसीलिए रोक रहा था। जिसके बाद सोनवू यो को फेस के पिक भेज देता है, तो वो उसे दवाई के बारे में बता देती है। फिर तो फिर नेक्स्ट डे सोनवू यो उसे परेशान हो जाता है क्योंकि वो उसे काफी इग्नोर कर रही थी, तो इसलिए वो उसकी इमेज खराब करने के लिए ऑफिस में ऐसे कपड़े पहन कर जाता है जो कि यो ने कभी पहने ही नहीं थे। सब उसे देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं ऑफिस में, और उसके बाद सोनवू यो की डेस्क पर आकर सेज सोजू की पैम्पलेट देखता है जिसके ऊपर वो एक्टर मॉडल था, और ये देखकर वो उसे पूछता है कि एक्टर के मॉडल बनने से सोजू कैसे बिकेगी। एलेक्स उसे बताता है कि उस मॉडल की आंखें ही इतनी ज्यादा नशीली हैं कि लोगों को बिना पिए ही नशा हो जाएगा, और ऐसा ही जेनी के साथ में भी होता है, जिससे कि फिर उनको ये आइडिया आता है कि वो जेनी के बारे में पूछता है कि वो लोग उसे जेनी का मैसेज दिखाते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि मैं ये बेकार दुनिया छोड़ रही हूँ। ये देखते ही सोनवू जल्दी से जाकर जेनी को पकड़ लेता है क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि शायद वो सुसाइड करने वाली है, तो जेनी उसे बताती है कि मैं ऑफिस छोड़ने की बात कर रही थी। साथ ही वो उसे कहती है कि उसे एक एंटरटेनमेंट कंपनी से इन्फ्लुएंसर बनने की ऑफर मिली है, जहाँ पर मुझे एक फोटो पोस्ट करने की $100 मिलेंगे, और ये बोलते वो वहाँ से चली जाती है। सोनवू फिर उस कंपनी के बारे में पता लगाता है, तो उसे ये पता लगता है कि वो बस फ्रॉड है जिसे कि एक विंग दल नाम का आदमी चलाता है, और उसके बाद जेनी विंग के पास पहुँचती है तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है जो कि पूरा का पूरा इंग्लिश में था। व्यूंग फिर उसे डांस करने के लिए कहता है, जेनी को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह साफ इनकार करने लगती है, तो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। जहाँ पर तभी सोनवू पहुँच आता है गेटअप चेंज करके और कहता है कि मैं एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हूँ और अगर तुमने उसे अभी नहीं छोड़ा तो मैं सबके सामने लाइव आकर तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। ये सुनते ही विम दाल तो डर कर जेनी को छोड़ देता है,
और सोनवुवीर जानी को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद सारी प्लानिंग टीम मिलकर एक बार फिर से काम में लग जाती है। और सारी रात जाकर सब लोग अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर लेते हैं। और फिर आता है वो दिन जिस दिन दोनों टीमें अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देने वाले थे। दोनों ही टीमें एक दूसरे के सामने थी, जहाँ पर दोस्तों वो एक्टर भी पहुँच आता है। और उसके बाद जेहॉक प्रेजेंटेशन देखने के लिए आता है, जहाँ पर यो पहले ही अपनी प्रेजेंटेशन देती है और जेहॉक उसकी प्रेजेंटेशन देखकर उसे ही प्रोजेक्ट दे देता है और प्लानिंग टीम को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने का मौका ही नहीं देता। सोन उसे काफी रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन वो तो इसे इग्नोर करके जाने लग जाता है। जहाँ पर तभी बहुत सारे रिपोर्टर्स एक एक्टर से आकर सवाल करने लग जाते हैं, क्योंकि उसके बारे में न्यूज निकली थी कि पुलिस ने पिछली रात उसके घर पर छापा मारा है, जहाँ पर बहुत सारे ड्रग्स भी पकड़े गए हैं। और वो एक्टर फिर गुस्से में यो का कॉलर पकड़ लेता है, जहाँ पर गाइस ये पता लगता है कि जब वो ड्रग्स ले रहा था तब यो ने उसकी फोटो लेकर पुलिस को भेज दी थी। यो ने ये सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि उसने एक एक्टर के लिए इतना सब कुछ किया और फिर भी वो उसे बर्बाद करना चाहता था। जिसके बाद सारे रिपोर्टर्स जेहॉक से सवाल करने लग जाते हैं कि वो एक ऐसे एक्टर से ब्रांडिंग कैसे करवा सकता है जो कि ड्रग्स के केस में फंसा हुआ है। और इसी में जेहॉक को धक्का लगता है और वो गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। वहीं सोनवू समझ आता है कि यो उसे आखिरकार इग्नोर क्यों कर रही है, क्योंकि वो युमी और एक्टर को बर्बाद करना चाहती थी। वेल, तो फिर नेक्स्ट डे सभी बोर्ड मेंबर की मीटिंग होती है, जहाँ पर सभी लोग सबकी जिम्मेदारी युमी को लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसकी टीम ने ही उस एक्टर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो किया था। और उसके बाद जेहॉक ब्रांडिंग के बारे में पूछता है कि अब ब्रांडिंग कौन करेगा, जहाँ पर फिर एक आदमी उसे प्लानिंग टीम की प्रेजेंटेशन देखने को कहता है। वहीं पर सोनवु भी अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए आ रहा होता है, जहाँ पर ये उसे बेस्ट ऑफ लक बोलती है, लेकिन सोनवू से अभी भी नाराज था। जहाँ पर तभी युमी आती है और वो बहुत गुस्से में होती है। सोनवू उसे देखकर चला जाता है और ये उसे बेस्ट ऑफ लक बोलकर जाने लगती है, जिसके बाद सोनवू सबको अपनी प्रेजेंटेशन में बताता है कि हम एक ऐसी ड्रिंक बनाने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा सेफ है और इसे लोग अपनी फैमिली फ्रेंड्स और लवर्स के साथ में आराम से पी सकते हैं, क्योंकि हमारी ड्रिंक नॉन अल्कोहल जो होने वाली है। और आगे जाकर फ्यूचर में कोरिया में अल्कोहल ड्रिंक भी बंद हो जाएंगी और इस टाइम पर हमारा ये ड्रिंक बहुत ज्यादा चलने वाला है। सभी को सोनवू की प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा पसंद आती है, जहाँ पर तभी जेहॉक उससे पूछता है कि तुम इस ड्रिंक की मार्केटिंग आखिरकार कैसे करोगी। जहाँ सीन शिफ्ट होता है और जनी पर जाता है, जहाँ पर उसने अपने पुराने स्कूल को काफी अच्छे से सजाया हुआ था और बाकी की टीम ने वहाँ सभी लोगों को बुलाया था। वहाँ पर साथ में न्यू नॉन अल्कोहल ड्रिंक्स भी रखी हुई थी, जिन्हें पीकर सब इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर सोनवू यो का वेट कर रहा था, जहाँ पर तभी यो बाहर खड़ी हो जाती है और उसे देखकर सोनवू दो ड्रिंक की बोतल लेकर उसके पास जाता है और दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं। जूरी भी फिर उन दोनों बोतल को ढूंढते हुए एलेक से बोलती है कि वो तो अल्कोहल वाली बोतल थी जो कि सोनवू ले गया था। वहीं दूसरी तरफ सोनवू यो को ड्रिंक सर्व कर रहा होता है, जहाँ पर तभी यो को किसी का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। यो जाने लगती है कि तभी सोनवू उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और तुम वहाँ मत जाओ, लेकिन यो उसे बोलती है कि टेंशन वाली बात नहीं है, मैं सबको संभाल लूंगी और वैसे भी मैं तुम्हारी बॉडी में हूँ जो कि एक लड़के की है, फिक्र वाली बात नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। जहाँ पर सोनवू से ये बोलते हुए फटाक से किस कर लेता है कि मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, ना कि अपनी बॉडी की। फिर वो अचानक से पीछे हटते हुए कहता है कि लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। जहाँ पर फिर यो भी उसे ये कहते हुए किस करने लग जाती है कि शायद नॉन अल्कोहल में भी थोड़ी सी अल्कोहल मिक्स होगी। जोंगवू भी उन्हें दूर खड़ा हुआ देख रहा था और उसे काफी जेलसी हो रही थी। यो किसी से मिलने के लिए गई हुई होती है, जो कि संगमरमर के डायरेक्टर मिस्टर हान थे और फिर मिस्टर नाम जो कि उन्हें होनो की अब तक की सारी ब्रांडिंग के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे ही यो एंटर होती है, उसको बेल्स की आवाज सुनाई देने लग जाती है और अचानक से उसका सर दर्द होता है, जिससे कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनवू भी गेट पर कौन है देखने के लिए जैसे ही गेट खोलता है कि उसके साथ भी वही होता है और वो जोंगवू के ऊपर बेहोश हो जाता है। जैसे ही दोनों को होश आता है, दोनों अपनी बॉडी में वापस आ चुके थे। अरे वाह, ये कैसा चमत्कार था। वेल, तो फिर उससे सोनवू को बहुत खुशी होती है और यो परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे सच जानना था जो कि अब उसके लिए काफी मुश्किल होने वाला था। और उसके बाद सोनवू खुशी से अपने घर लौट आता है और यो को हग कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है जोंगवू भी उधर है, वो तो उससे दूर हो जाता है।
या फिर सोनवू को रूम में लेकर जाकर मिस्टर हान के साथ हुई सारी बातें बताने लग जाती है, जिसे सोनवू से बताता है कि वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ मिलकर काम करूं और मैंने तुम्हारे लिए हाँ भी बोल दिया था। ये सुनकर तो या फिर उसे बोलती है कि अगर इस समय मिस्टर हान का हाथ हुआ तो हमें कोई एविडेंस तो जरूर मिलेगा। और फिर यह फिर से एक्सचेंज होने के लिए सोनवू के क्लोज आने लग जाती हैं, लेकिन सोनवू वहां से बाहर भाग जाता है। जब वो जंगू से जाकर सोफे पर सोने के लिए लड़ने लग जाता है और उसे सोफा मिल भी जाता है, जंगू बेचारे को जमीन पर सोना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ यह 5 साल पहले का सीन याद करती है, जब जेहाक ने उसे एक कैंडल प्रोजेक्ट दिया था, जिसे जेलस होकर मिस्टर हान ने उसे खराब भी कर दिया था और सारा इल्जाम यो के ऊपर आ गया था, जिसे डायरेक्टर ने यो को बचाने के लिए अपने ऊपर ले लिया था और इसीलिए वो शायद उसे बदला ले रहा है। और वहीं दूसरी तरफ यूमी को देखते हैं, जो कि मिस्टर हान से मिलने के लिए जाती हैं, जो कि अब तक उनका साथ दे रहे थे, लेकिन वो उसके काम से नाखुश होकर उसका ट्रांसफर करवा देते हैं। और जब यूमी इसके लिए मना करती है तो मिस्टर नाम आकर उसे बाहर ले जाकर कहते हैं कि अब तुम्हारी पोजीशन वो सोनवू को देने वाले हैं, लेकिन वो भी कुछ कंडीशंस पर। यहाँ पर जिनवू लाइट्स की वजह से सो नहीं पा रहा होता है और इसलिए घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। और जैसे ही अंधेरा होता है, योको फिर से पैनिक अटैक आने लग जाते हैं कि तभी सोनवू उठ जाता है और उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है। जुनवू से लाइट्स ऑन करने को कहता है, उसके बाद यो जुनवू को वहाँ से बाहर भेजकर सोनवू को अपने पास ही रोक लेती है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे सभी को पता चल जाता है कि सेंग सेजू ब्रांडिंग की वजह से यो को प्रमोट करके वापस मैनेजर बना दिया गया है, जहाँ पर डायरेक्टर यो से उसकी प्लानिंग टीम के बारे में पूछते हैं कि उनका क्या करना है, क्योंकि रोल के हिसाब से टीम के मैनेजर के साथ साथ टीम मेंबर्स को भी प्रमोशन मिलती है। यो फिर उनके प्रमोशन के लिए साफ इनकार कर देती है और उसके बाद यो टीम प्लानिंग के पास जाती है, जहां वो लोग उसको जोरदार तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन यो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि दोस्तों अब वो असली वाली यो जो थी, यानी कि वो अपनी बॉडी में जो वापस आ गई थी। और इसी टाइम पर यूमी को देखते हैं, जिसका ट्रांसफर प्लानिंग टीम में हुआ था। यो गुड लक बोलकर चली जाती है कि तभी सोनवू आता है, जिसे यूमी गुस्से से देखने लग जाती है। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में यो सभी को मीटिंग में बुलाकर उनके प्रोजेक्ट बांट देती है, जिसमें सबसे अच्छा खुद और सबसे बुरा प्रोजेक्ट प्लानिंग टीम को दे देती है, जो कि एक 50 साल पुराने मोटल का था, जिसमें बस कपल्स और स्कूल के बच्चे ही आया करते थे। नेक्स्ट सीन में प्लानिंग टीम होटल में बात करने के लिए पहुंचती है, जहां उन्हें पहले ओनर की पोती मिलती है, जो कि उनसे मना कर जा रही होती है कि हमें ब्रांडिंग नहीं करानी है। तो फिर जेनी उसको डरा धमका कर मोटल की चाबियां ले लेती है, और मोटल में काफी अंधेरा होने के कारण ओनर को देखकर सब लोग डरकर चिल्लाने ही लग जाते हैं, क्योंकि वो डरावनी लग रही थी। वेल तो फिर उसके बाद ओनर उनको रूम में ले जाकर ब्रांडिंग के लिए मना कर देती है, और उसके पास अभी मुंह लटका कर बाहर बैठ जाते हैं आकर, जहाँ पर तभी सोनवू एक मैसेज देखकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यो एचक्यू मोटर्स के प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग करने के लिए जाती है, और वो लोग ये प्रोजेक्ट देने से इनकार कर देते हैं कि तभी वहां उसे बेल्स की आवाजें सुनाई देती हैं। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और थोड़ी देर में उसे लगता है कि उसकी और सोनवू की सोल फिर से एक्सचेंज हो गई है, और वो वापस आकर प्लानिंग टीम को डांट कर घर भेज देती है। सोनवू का फोन चेक करती है, जिसमें मिस्टर हान का मैसेज था कि तुम मेरी कंडीशन मानो और मैं तुम्हारी मान लूंगा। वहीं सोनवू देखता है कि वो एचके मोटर्स के ऑफिस में है, और वो डील को कैंसिल ही कर देता है, क्योंकि ये करने के लिए उसे मिस्टर हान ने जो कहा था। जहाँ पर तभी हमें स्टार्टिंग का सीन देखते हैं दोस्तों, जहाँ होश में आने के बाद मिस्टर हान सोनवू को उसके साथ काम करने के लिए ऑफर देते हैं कि वो उसे सोंगसू का मैनेजर बना देंगे, जिसके लिए सोनवू मना करते हुए कहता है कि उसे बस 5 साल पहले हुए कैंडल इंसिडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद सोनवू यो के घर आता है, जहां यो उसे साइड में ले जाकर मिस्टर हान के साथ ही सारी बातें पूछती है। सोनवू ये बोलकर जाने लग जाता है कि वो बस अब उनके साथ काम करेगा। यो उसे फिर से बॉडी एक्सचेंज करने के लिए उसे किस करने लग जाती है कि जहां पर तभी जुंगवू आ जाता है, जिसे देखकर सोनवू उसके सामने रोने लगता है कि ये मुझे परेशान कर रहा है। जिसके बाद दोनों को फिर से बेल सुनाई देती है और दोनों फिर से अपनी अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं, जिस सोनवू यो को परेशान ना करे इसके लिए वो उन्हें अपने दाएं बाएं बैठा लेता है।
जिसके बाद दोनों में बॉडी को लेकर बहस होने लग जाती है कि ये आखिरकार एक्सचेंज कैसे हो रही है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जहाँ योकेकर चली जाती है कि अब अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों अपनी वॉचेस में पूरे दिन की सारी बातें रिकॉर्ड करके रखेंगे। और जुंग वो बेचारा शौक में था कि आखिरकार ये लोग किस टाइप की कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। वेल तो फिर नेक्स्ट डे ये ऑफिस में बैठकर मिस्टर नाम की फोटो देख रही होती है, जहाँ पता लगता है कि योने उनके पीछे अपने कुछ एम्प्लॉयज नजर रखने के लिए लगाए हुए हैं, कि तभी उसे HQ का मैसेज मिलता है कि क्या आप कल की वही बात पर श्योर हो। जिसके बाद ये जानने के लिए कि आखिरकार सोनमुनी ने क्या बोला, उसे कॉल करती है कि जो कि मेटल की ब्रांडिंग के लिए गया हुआ था। और तभी फिर से दोनों को बेल की आवाज सुनाई देती है और सरदर्द के साथ दोनों की सोल फिर से एक्सचेंज हो जाती है। दोनों की बात भी अधूरी रह जाती है, जिसके बाद यो मोटेल के ओनर के पास जाती है, जहां मोटेल की ओनर अपनी पोती के बिहेवियर के लिए सब उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ की वजह से वो काफी चेंज हो गई है। यो बोलती है कि मैं भी अपने पेरेंट्स से दूर रही हूँ, लेकिन मैं तो चेंज नहीं हुई। तो फिर ओनर उसे कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, शायद तुम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती हो और इसलिए चेंज नहीं हुई। और दोस्तों इन्हीं बातों में उसे ब्रांडिंग का आइडिया भी मिल जाता है। नेक्स्ट डे फिर यो ओनर से कहती है कि वो इस मोटल को चेंज किए बिना इसकी ब्रांडिंग करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ आपकी पोती का बचपन गुजरा है और वो आपसे बहुत प्यार करती है और उसकी बहुत सी प्यारी यादें यहाँ पर होंगी, और इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट का नाम टाइम यही रुक गया है रखूंगा। जिसके बाद यह फिर सारा काम प्लानिंग टीम को देकर जाने लग जाती है कि बाहर निकलते ही उसे मिस्टर हान का मैसेज मिलता है, जो कि सोनवू को नेक्स्ट डे से कंपनी में मिलने के लिए बुलाते हैं। और उसी के बारे में जानने के लिए यह सोनवू को कॉल करती है कि तभी उन्हें फिर से बेल की आवाजें सुनाई देती हैं और दोनों की बॉडी फिर से एक्सचेंज हो जाती है। यह अपनी बॉडी में आते ही देखती है कि सोनवू फ्लावर शॉप से व्हाइट फ्लावर्स ले रहा था। उसके बाद वो कार में बैठकर वॉच की रिकॉर्डिंग सुनती है, जहां पर HU मोटर्स की डील सोनवू ने कैंसिल कर दी थी। और वो जुंग उसे कह रहा था कि उसे आने वाले टाइम में यो का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि वो उसके लिए खराब होने वाला है। और ये सुनकर तो यो काफी शॉक हो जाती है कि तभी उसे सोनवू मैसेज करके उसे टेंपल में बुलाता है। और वहीं हम सोनवू को व्हाइट फ्लावर्स के साथ में उसी टेंपल में देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर वो फ्लावर्स दाव और अपनी फोटोज पर लाकर रख देता है। थोड़ी देर में यो आकर सोनवू और दाव की फोटोज देखती है कि तभी सोनवू आकर उसे बताता है कि हम 2 साल पहले से भी पहले मिल चुके थे, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? और यो को सच में कुछ याद नहीं होता है। तो सोनवू फिर उसे एक हफ्ते टाइम देते हुए कहता है कि सब कुछ याद करो और फिर मुझे आकर अपने किए की माफी मांगना। यो फिर यहाँ पर याद करते है कि 5 साल पहले तो उसे जेहक से कैंडल प्रोजेक्ट मिला था, जिसमें टाइम कम होने की वजह से उसने एक छोटे स्टोर बैंडी की डिजाइन चुरा कर अपनी प्रेजेंटेशन दे दी थी। और इसके बाद फिर युमी यो को कॉल करके ऑफिस आने के लिए बोलती है। जैसे ही यो ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि किसी ने उसकी फोटोज एडिट करके बिगाड़ कर लिखा हुआ था कि मैं यो का सारा पास्ट बता दूंगी। और वहीं दूसरी तरफ युमी याद कर रही होती है कि मिस्टर नाम ने उसे बताया था कि सोनवू ने 5 साल पहले हुए कैंडल प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल्स मांगी है। और ये सुनकर तो युमी सोनवू के घर में घुसकर कैंडल इंसिडेंट के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा ही कर लेती है। और वहीं जब यो अपने घर आती है तो रूम में सारे पेपर्स बिखरे हुए देखती है, और जिसमें से उसे कैंडल प्रोजेक्ट पेपर मिलता है, जिससे वो याद करती है कि जब उसने वो डिजाइन चुराई थी कि तभी उसी स्टोर में आग लग गई थी और वहां पर एक इंसान उस जलकर उसमें मर गया था। और इसीलिए वो वहां जब फ्लावर्स रखने के लिए गई थी तो उसे लगता है कि कोई तो काले हाथ है जो कि उसे पीछे खींच रहे हैं, और जिसके बाद से ही उसे अंधेरे में पैनिक अटैक आने शुरू हो गए थे। वहीं सोनवू मिस्टर हान से मिलने के लिए गया हुआ था, जहां मिस्टर हान उसे बताते हैं कि कैंडल प्रोजेक्ट से सारा का सारा हाथ यो का ही था और मैं इसका तुम्हें सबूत भी दे दूंगा। जिसके बाद दोस्तों सोनवू उसी टेंपल में बैठकर अपना पास्ट याद कर रहा होता है, जहां वो दाव नाम की लड़की को काफी लाइक करता था। दाव का एक छोटा सा कैंडल स्टोर था, वो चल नहीं पाती थी, लेकिन उसकी कैंडल की डिजाइन कमाल की होती थी। सोनवू उसे अपनी ब्रांडिंग सोंगसू में कराने को कहता है, लेकिन दाव साफ इनकार करते हुए कहती है कि नहीं, इससे तो उसे कोई भी नहीं पहचानेगा और सब बस ब्रांडिंग को ही पहचानेंगे, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरी कैंडल को पसंद करते हैं ना, वो मुझे पहचाने। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में दिखाया जाता है यो और युमी बात कर रहे होते हैं, जहाँ युमी उसे कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुमने छोटे स्टोर की डिजाइन चुराई है तो मैं तुम्हें पहले ही बर्बाद कर देती।
यह उसे कहकर चली जाती है कि मैं मिस्टर हान और उसके चमचे को बर्बाद कर ही रहूंगी। और उसके बाद यह फिर अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए HQ मोटर्स के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां पर ओनर उससे कहता है कि हम ये सब कुछ पहले ही सोनव को दे चुके हैं। और इसी टाइम पर वहां अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए सोनव भी पहुंचा हुआ होता है, उससे कहता है कि मैं इस बार तुम्हें कुछ चुराने नहीं दूंगा। फिर से बेल रिंग्स होती है और दोनों की सोल एक्सचेंज हो जाती है कि तभी दाओ टेम्पल में कहती है कि गुड लक, क्योंकि ये तुम दोनों का आखिरी चांस है। जिसके बाद सोनव यो की डील को खराब करने की कोशिश करता है तो यो उसे बाहर ले आती है। सीन शिफ्ट होता है 5 साल पहले दिखाया जाता है, जहां सोनव दाओ की कैंडल के ब्रांडिंग के लिए उनकी डिजाइन लेकर सोंगसू एजेंसी आया हुआ था। कोई उसके पास और अपॉइंटमेंट ना होने के कारण वहां के गार्ड्स उसे निकालने लग जाते हैं कि तभी पीछे से आ रही यो से सोनव टकरा जाता है, जहां उसके और यो के डिजाइन के सारे पेपर्स मिक्स हो जाते हैं और जल्दी जल्दी में वो वही पेपर लेकर चले जाते हैं। सोनव को भी यो का वहां पर आईडी मिल जाता है, जिससे कि उसे उसकी डिटेल्स मिल गई थी। और वहीं यो जैसे ही प्रेजेंटेशन देने लगती है तो देखती है कि उसकी डिजाइन सोनव से एक्सचेंज हो गई थी। लेकिन भाई टाइम ना होने के कारण सोनव की डिजाइन से ही उसे प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है और सभी को फ्रेग्रेंस वाली कैंडल के बारे में वो बताती है, जो कि ट्रेडिशनल है। जे हाक को उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो उसे जल्दी से प्रोडक्शन करने के लिए कहता है। और प्रेजेंटेशन के बाद डायरेक्टर यो की तारीफ करती है। और वहीं जैसे ही सोनव घर वापस जा रहा होता है तो बस में वो नोटिस करता है कि उसकी डिजाइन यो की डिजाइन से एक्सचेंज हो गई है। और वो वापस से सोंगसू पहुंचता है अपनी डिजाइन लेने के लिए और वहां के गार्ड उसे फिर से भगा देते हैं। वही रात को यो दाओ की प्रेगनेंस वाली कैंडल की सारी डिटेल्स अपने प्रोजेक्ट में कॉपी करते हुए सोचती है कि किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं लगेगा। वेल तो फिर नेक्स्ट डे यो जुंगू और युमी के साथ में गांव में आती है, जहां पर कैंडल के लिए फ्रेग्रेंस बनाने वाला आदमी रहता था। और वो फिर उन लोगों को देखकर जाने को कहता है कि मुझे अपनी ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस तुम्हें नहीं देनी है। लेकिन यो बैठकर बात करने को कहती है और फिर उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बोलती है कि आपका बेटा बीमार है, जिसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे ना, अच्छे से सोच लो, तो आपके पास सोचने के लिए 2 दिन है, बोलकर चली जाती है। जिसके बाद वहाँ सोनव आता है और देखता है कि उस आदमी के बेटे को खून की उल्टियाँ हो रही हैं, जिसके लिए वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। जिसके बाद से ही सेंग कंपनी के पास उनकी फ्रेग्रेंस आ जाती है और उससे उनकी कैंडल हर जगह बहुत फेमस हो जाती है, जिसे खुश होकर जे हाक यो को कुछ मांगने के लिए कहता है। और वहीं सोनव यो की ब्रांडिंग के बारे में पता लगाता है तो वो प्रोटेस्ट करने लगता है कि उसने डिजाइन चुराई है। कि तभी सोनव नोटिस करता है कि कंपनी की रिसेप्शनिस्ट एक पेपर को देखकर सबको कॉल कर रही है। सोनव फिर कंपनी में घुसकर उस पेपर में से यो का नंबर याद कर लेता है और फिर यो को कॉल करके बोलता है कि उसने उसकी डिजाइन चुराई है। लेकिन यो ये बात एक्सेप्ट नहीं करती है। और वहीं जब दाओ अपनी डिजाइन और कैंडल के आइडिया को यो की ब्रांडिंग में देखती है तो बहुत दुखी होकर रोने लग जाती है, जिससे कि वहां की कैंडल से उस स्टोर में आग लग जाती है और दाओ उसी में जलकर मर जाती है। सोनव उसके स्टोर आकर उसकी बॉडी देखता है तो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लग जाता है और यो से बदला लेने के बारे में सोच लेता है। जिसके बाद फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां यो को 5 साल पहले का सब कुछ याद आ जाता है और वो सोनव से कहती है कि मैंने भी उसकी वजह से बहुत कुछ सहा है। लेकिन सोनव बोलता है कि हां, बेशक तुमने थोड़े समय के लिए ही ये सब कुछ सहा होगा और फिर उसके पास तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक ही हो गया होगा और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मैं तुम्हारी बॉडी में हूं, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करा सकूं। ये सब कुछ सुनकर यो बॉडी को एक्सचेंज करने के लिए उसे किस करने लगती है, लेकिन इस बार सोनव उसे पास ही नहीं आने देता। वेल तो फिर नेक्स्ट डे मिस्टर हान सोनव को उसे कंपनी की मैनेजमेंट टीम का मैनेजर बना देते हैं और यो को प्रेजेंटेशन में हराने को बोलते हैं और फिर उसको प्रूफ देने का प्रॉमिस भी करते हैं। जिसके बाद यो सोनव के फ्रेंड्स को मिस्टर हान के ऊपर नजर रखने का काम दे देती है। और वहीं युमी मिस्टर नाम को मिलने के लिए बुलाती है कि उसके पास एक सीक्रेट है और वो उन्हें यो और सोनव के सोल एक्सचेंज के बारे में सब कुछ बता देती है। और गाइस हमें ये पता लगता है कि जब HQ मोटर्स के बाहर यो और सोनव लड़ रहे थे, तब युमी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी।
मिस्टर नाम को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है तो वो सोनवू यानी कि यो के पास जाते हैं, जहां वो प्लानिंग टीम के साथ एचक्यू मोटर्स की प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा होता है और वो सभी को पहली वाली वर्कशॉप पर आने को कहते हैं, जहां सोनवू ठीक है बोल देता है। इसे मिस्टर नाम को यूमी की बातों पर ट्रस्ट हो जाता है क्योंकि यो कभी भी वर्कशॉप पर आई ही नहीं थी, जिससे कि उसे वहां का एड्रेस कभी पता ही नहीं था। वेल द फिर नेक्स्ट डे जेनी सबको बताती है कि एचक्यू मोटर्स ने उनसे झूठ बोला था कि पूरे के पूरे कोरिया में बस उनकी ही कंपनी लिक्विड हाइड्रोजन बैटरीज बनाती है, जबकि मुझे इंस्टाग्राम पर एक हाई जेट नाम की छोटी कंपनी मिली है जो कि एचक्यू के पहले ही लिक्विड हाइड्रोजन बैटरीज बना रही है, क्योंकि वो छोटी है और इसीलिए किसी को उसके बारे में पता नहीं है। जिससे कि दोस्तों ये भी पता लग जाता है कि एचक्यू उनके काम को चुरा रही है, और ये सुनकर तो सोनवू हाईजेट की ओनर से मिलने की बात करता है। और नेक्स्ट सीन में प्लानिंग टीम हाईजेट के ओनर से मिलने के लिए जाते हैं, जहां यो उन्हें इग्नोर करते हुए निकल जाती है और सब लोग सोचने लग जाते हैं कि वो यहां पर क्या कर रहा है। और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें सीईओ से ये पता लगता है कि यो ने उससे कहा है कि उसकी कंपनी के आइडियाज कमाल के हैं, लेकिन अगर वो अपना मुंह बंद रखेगा तो वो उसकी हेल्प करेगा बड़ी कंपनी बनाने में। और ये सुनकर सोनवू भी समझ जाता है कि यो पैसे देकर उनको खरीदना चाहती है। जिसके बाद सोनवू घर आ जाता है तो पूरी प्लानिंग टीम उसके साथ काम करने से साफ इनकार कर देती है कि एचक्यू वाले चोरी करके प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हम इसमें उनका साथ नहीं देंगे। नेक्स्ट डे सोनवू सबको कहता है कि वो एचक्यू की जगह हाईजेट की प्रेजेंटेशन देंगे ताकि सच सामने आए। और ये सुनकर टीम कहती है कि ये तो बहुत ही रिस्की हो सकता है क्योंकि हाईजेट का ओनर खुद उनके साथ है। और फिर प्लानिंग टीम यो के ऑफिस में जाकर उसकी प्रेजेंटेशन की हार्ड ड्राइव ले आते हैं और चेक करने पर उन्हें पता लगता है कि उसने पूरा हाईजेट का कंटेंट ही कॉपी किया हुआ था। और वहीं सोनवू के फ्रेंड जो कि मिस्टर हान पर नजर रखे हुए थे, वो उसमें से उनके ऑफिस का पासवर्ड पता लगाकर यो को बता देते हैं, जहां पासवर्ड डालकर यो मिस्टर हान के ऑफिस में घुस जाती हैं। तो चेक करने पर एक हार्ड ड्राइव मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो तो सोनवू की हार्ड ड्राइव थी जिसमें से 5 साल पहले उसने दाओ के सारे डिजाइंस कॉपी करके फेंक दी थी। तो अब वो उनके पास आखिरकार कैसे आ गई। वहीं दूसरी तरफ सोनवू काम करते हुए सो जाता है कि तभी मिस्टर नाम आकर उसके कंप्यूटर को रीसेट कर देती हैं, जिससे कि सारी की सारी प्रेजेंटेशन डिलीट हो जाती है। और नेक्स्ट डे ये देखकर प्लानिंग टीम काफी परेशान होती है और फिर वो जल्दी से हाईजेट की ओनर के पास बात करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यो तो उन्हें पहले ही अपने साथ में प्रेजेंटेशन पर लेकर जा रही होती है। यो ओनर से कहती है कि ये काम बस थोड़ी देर का ही है, जिसके बाद फिर पूरी प्लानिंग टीम परेशान होकर एचक्यू मोटर्स के बाहर खड़ी हुई होती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में दिखाने के लिए उनके पास कुछ भी रेडी नहीं था। जहां पर यो सोनवू को आकर वो हार्ड ड्राइव और इसके साथ में प्रेजेंटेशन के पेपर देकर कहती है कि वो ये सब कुछ खुद के लिए कर रही है। और रही बात सजा की, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। सोनवू काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार वो करना क्या चाहती है। और उसके बाद सोनवू फिर प्रेजेंटेशन देता है जिसमें वो सबको बता देता है कि सबसे पहले लिक्विड हाइड्रोजन बैटरी हाईजेट के ओनर ने बनाई थी और एचक्यू मोटर्स ने तो उन्हें चोरी किया है। फिर सबको पता लगता है कि हाईजेट के ओनर को कम उम्र से ही कार्स में काफी इंटरेस्ट था और उसने मेहनत करके ये बैटरीज बनाई थी, लेकिन उसकी बहुत छोटी सी कंपनी थी और इसीलिए किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था और वो फिर आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि एचक्यू को हाईजेट के साथ मिलकर ही काम करना चाहिए ताकि उसे भी आगे बढ़ने का मौका मिले और दोनों को बराबर का फायदा हो। ये सबको सुनकर एचक्यू का एक आदमी उसे कहने लग जाता है कि ये झूठ है, इसका कोई भी सबूत नहीं है। सोनवू फिर वहां पर हाईजेट की ओनर को बुलाती है जो कि दिमाग से थोड़ा हल्का था और लेकिन उसका काम कमाल का था। तभी फिर एचक्यू का डायरेक्टर सबसे कहता है कि मैं हाईजेट के साथ में काम करूंगा और साथ ही उस इंसान को ढूंढूंगा जिसने ये आइडिया चोरी करके हमें दिया है। यो फिर पीछे से आकर सबको बताती है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर हान और इस आदमी का है और उन्होंने ही हाईजेट के छोटे होने का फायदा उठाकर सारे के सारे आइडियाज चुरा कर एचक्यू को दे दिए थे। ये सब कुछ देखकर मिस्टर हान गुस्से में बैठकर यो का कॉलर पकड़कर उसे पूछते हैं कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। तो यो कहती है कि यही तो चाहिए था ना आपको, यो की हार। तभी फिर एचक्यू का डायरेक्टर कहता है कि मैं ये प्रोजेक्ट हाईजेट के साथ ही करूंगा और ब्रांडिंग के लिए सोंग्स से कांटेक्ट कर लूंगा। जिसके बाद सोनवू यो से कह रहा होता है कि ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये सुनते ही यो तो उसे किस ही कर लेती है कि जिससे उनकी बॉडी एक्सचेंज हो जाए। हार्ड ड्राइव लेकर जाने लगता है तो सोनवू से पूछता है कि ये वो क्या कर रही है। तो यो बोलकर चली जाती है कि ये तुम्हें कल पता लग जाएगा।
वेल तो फिर नेक्स्ट डे सोनवू की सोल उसकी बॉडी में आ जाती है और वो वही हार्ड ड्राइव देखता है और चेक करता है जिसमें दाव के बनाए हुए सारे के सारे डिजाइन थे और वो उन्हें देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। फिर वो यो की एक वीडियो देखता है जहाँ पर 5 साल पहले दाव का आइडिया चुराने के लिए उसने उससे माफी का वीडियो बनाया हुआ था और कंपनी को दाव के साथ में काम करने को भी कहा था, लेकिन फिर उसकी डायरेक्टर ने उसे चुप करवाते हुए कहा था कि ऐसे तो सब कुछ खराब हो जाएगा और उन्होंने वो सारी की सारी ओरिजिनल डिजाइन ही जला दी थी, लेकिन मैंने ये हार्ड ड्राइव संभाल कर रखा था जिससे कि ये दाव के करीबियों को मिल जाए। और उसके बाद जब वो दाव के लिए स्टोर में फ्लावर्स रखने के लिए गई थी तो हार्ड ड्राइव भी वहीं पर रख दी थी जिसे आकर मिस्टर हान ने उठा लिया था। ये सब कुछ देखकर सोनवू तो रोता हुआ यो के पास जाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुमने ये मुझे क्यों दी, तो यो से बोलती है क्योंकि तुम मुझे बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन सोनवू से बोलकर जाता है कि नहीं मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवाना चाहता था जो कि शायद तुम्हें 5 साल पहले ही हो गया था। जिसके बाद फिर एचक्यू मोटर्स हाईजेट के साथ में कोलैबोरेशन कर लेती है और वहीं मिस्टर हान के खिलाफ पुलिस केस हो जाता है और उन्हें कंपनी से भी निकाल दिया जाता है। प्लानिंग टीम को टीम वन में प्रमोशन दे दी जाती है और वहीं यो अपनी लिस्ट में मिस्टर हान को हटाते हुए सोचती है कि अगर मिस्टर हान का हाथ नहीं था तो मुझे आखिरकार मारने में किसका हाथ हो सकता है, जिसका सीधा शक जाता है उससे जेहाक और डायरेक्टर पर, क्योंकि जेहाक कैंडल वाले प्रोजेक्ट की वजह से उसे नफरत करता था और डायरेक्टर ने जब कहा था कि वो कैंडल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी खुद लेंगी तो मीडिया के सामने वो अपनी बात से पलट गई थी। और वही हम जेहाक और डायरेक्टर को साथ बैठे हुए देखते हैं जहां जेहाक यो को वो डायरेक्टर बनाने की सोच रहा था और डायरेक्टर इससे खुश नहीं थी। वेल तो फिर नेक्स्ट डे ऑफिस के सभी लोग एक जगह वर्कशॉप के लिए आते हैं, लेकिन बहुत बारिश होने की वजह से प्लानिंग टीम जिनको वर्कशॉप की जिम्मेदारी मिली थी वो लोग तो ऑफिस में आकर ही सबको कैंपेन करने को कहते हैं। प्लानिंग टीम नोटिस करती है कि यहाँ पर सोनवू के सिवाय बाकी सब है और वो लोग सोनवू को उसके घर से उठा कर ले आते हैं। जिसके बाद दोस्तों जूरी सभी को एक पार्टनर गेम के बारे में बताती है। ये सुनकर सोनवू वहाँ से उठकर चला जाता है। यो भी उसके पीछे जाती है जहाँ उसे डायरेक्टर मिल जाती है और उन्हें बातें होती है कि 5 साल पहले हुए कैंडल इंसिडेंट से बहुत कुछ बदल गया है। तो यो बोलती है हो ना हो, लेकिन उस कैंडल इंसिडेंट में जो लोग भी शामिल थे ना उनमें से ही कोई है जो मुझे मारना चाहता है, और वो चुपचाप डायरेक्टर को देखने लग जाती है। जिसके बाद जूरी गेम स्टार्ट करती है जो कि ट्रेजर हंट था। जुंगू यो को साथ में खेलने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है और फिर जुंगू उसे प्रपोज करता है, लेकिन यो तो उसे मना कर चली जाती है। जिसके बाद जुंगू और डायरेक्टर फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर यो चुपचाप डायरेक्टर के ऑफिस में घुस जाती है कि तभी वहाँ जूरी आकर उसे कहती है कि तुम्हें ये गेम नहीं खेलना क्या, तुम्ही ने तो कहा था कि इस गेम के लिए, और यहाँ का समय ये पता लगता है कि यो ने ही ये वर्कशॉप और गेम रखा था ताकि वो छानबीन करके सारे क्लू ढूंढ सके। जिसके बाद यो जुंगवू के डेस्क पर चेक करती है जहाँ पर उसके कैलेंडर पर यो की सारी डेली हरकतों के बारे में लिखा हुआ था, और वहाँ पर उसे एक चाबी भी मिलती है। जैसे ही वो चाबी को लेकर जुंगवू का ड्रॉर चेक करती है कि तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उसे फिर से पैनिक अटैक आने लग जाते हैं। और अंधेरा देखकर सोनवू फटाक से यो के पास आता है और कहता है कि वो हेल्प लेकर आएगा। यो फिर उसे बोलती है कि नहीं मैं अकेले ही सब संभाल लूंगी। सोनवू बोलता है कि देखो मैं पहले ही बहुत टूट रहा हूँ इस बात से कि मैंने जैसा तुम्हें सोचा था वैसे तुम बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो बहुत ही अच्छी लड़की हो। मैंने जब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया तो मुझे ये पता लगा कि तुम रियल में क्या हो, और उसके बाद भी तुम मुझे अपने क्लोज क्यों नहीं आने देना चाहती हो, और इसलिए फिर यह बोलते है कि ठीक है। जिसके बाद वो खुद को हट करना बंद कर देती है और ये सुनकर सोनवू फिर उसके क्लोज आकर फटाक से उसे किस कर लेता है। और यही देखते ही दाव सोनवू से मिलने के लिए आती है और ये बोलकर चली जाती है कि मैं तुम्हें खुश देखकर खुश हूं और मुझे शांति मिल गई है। यानी कि दोस्तों वो तो सोनवू और यो को मिलाने के लिए ही आई थी। नेक्स्ट डे फिर सोनवू उठकर यो के पास आता है और कहता है कि अब से वो भी उसके कातिल को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा। यो उसे एक पेन ड्राइव दिखाती है जो कि उसे जोंगवू के डोर से मिली थी, जिसे चलाने पर ये पता लगता है कि उसमें उस बिल्डिंग की सारी सीसीटीवी फुटेज थी जब यो स्विमिंग पूल में गिरी थी और बनी मास्क वाला आदमी वहीं पर था। साथ ही ये भी पता लगता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जुंगवू ही था और उसी ने यो को मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद उसने मेमोरी कार्ड से सारी मेमोरी निकाल ली थी और वीडियो को एडिट करके खुद को वहां से मिटाकर वापस से लगा दिया था, जिससे कि पुलिस और बाकी सबको ये लगे कि यो खुद ब खुद ही नीचे गिरी थी। ये सब कुछ देखने के बाद सोनवू यो से पुलिस के पास चलने को कहता है, लेकिन फिर यो उसे साफ इनकार करते कहती है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो हमसे छुपा हुआ है।
नेक्स्ट डे यो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए आती हैं, जो कि उसे अपनी शादी का कार्ड देते हैं और साथ ही उससे पूछते हैं कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जहाँ पर यो सबको सानवू का नाम बता देती है, जिसे सुनकर तो जुंगू काफी चिढ़ जाता है। और उसके बाद जैसे ही यो ऑफिस आती है तो देखती है कि जुंगू मास्क पहने हुए वहाँ पर बैठा हुआ था, और वो तो उसे चिढ़ाने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मारने आए हो ना, तो तुम मुझे आसानी से मार सकती हो। ये सुनकर जुंगू उसका गला दबाने लगता है कि तभी सानवू आकर जुंगू को जोरदार पंच मारता है। यो को वो संभालता है। यो जुंगू का मास्क उतार कर उसे पेंडेंट दिखाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे बारे में पहले ही सब कुछ जानती थी। और साथ ही दोस्तों यो और जुंगू बात उसे पता लगता है कि ये सब कुछ डायरेक्टर का ही किया धरा है, और उन्होंने ही जुंगू को यो के लिए काफी भड़काया था। और वहीं डायरेक्टर अब युमी को भड़का रही होती है और अपनी साइड पर आने को कहती है, जिसके बाद यो देखती है कि न्यूज में जेहक के खिलाफ कुछ गलत न्यूज आ रही होती है कि उसने बहुत सी लड़कियों के साथ जबरदस्ती की है, जिससे कुछ प्रेगनेंट भी हुई थी। ये सारी बातें यो को समझ में नहीं आती है, क्योंकि 5 साल पहले तो प्रोजेक्ट से पहले भी जेहक को ड्रग्स के मामले में बहुत ज्यादा ट्रोल्स किया गया था, और इस बार जब वो फिर से कुछ करने वाली है तो जेहक फिर से बीच में आ गया है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर और जेहक को बात करते हुए देखते हैं, जहां जेहक अपनी इस न्यूज को लेकर काफी परेशान था। तो डायरेक्टर उसे कहती है कि मैं इससे भी बड़ा स्कैंडल सामने लाऊंगी, और जिसके सामने तो आपका स्कैंडल छुप ही जाएगा। ये सुनते ही जेहक याद करता है कि उसे डायरेक्टर ने 5 साल पहले भी ड्रग वाले स्कैंडल को छुपाने के लिए ही किया था, और उसके बदले वो प्रमोशन करवा लेती है। जहाँ से गाइस ये पता लगता है कि डायरेक्टर ने किसी आदमी को यह को डराने के लिए भेजा था, जहाँ वो दाव के स्टोर पर जाता है और वहाँ पर आग लगी हुई थी, यानी कि दाव उस टाइम पर भी बच सकती थी, लेकिन उसे बचाने उसकी दोस्त भी वहाँ पर आती है कि तभी वो आदमी वहाँ पर वायर को काट देता है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है और दाव और उसकी फ्रेंड की वहीं पर डेथ हो जाती है। यानी कि सब कुछ उनकी सोची समझी प्लानिंग थी। वहीं दूसरी तरफ यो जेहक और डायरेक्टर की फोटो देखते हुए सोच रही होती है कि अगर डायरेक्टर को हराना है तो उसे जेहक को कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट डे फिर यो ने सभी को डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा था, जो कि सब उसको लाकर दे भी देते हैं कि तभी डायरेक्टर युमी के साथ वहां पर आती है और यो को एक लेटर देते हुए कहती है कि देखो अब मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करती हूं। और वो लेटर था कि यो को कुछ दिनों के लिए जॉब से निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद डायरेक्टर युमी के मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यो के बारे में काफी गलत न्यूज फैलवा देती है कि वो कंपनी को लूटा करती है और लोगों को धमकाकर काम भी करवाया करती थी, जिससे कि दोस्तों इस न्यूज से जेहक का स्कैंडल भी दब जाता है और यो को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है। और वहीं डायरेक्टर सानवू को भी किडनैप करवा लेती हैं, जिसके बाद प्लानिंग टीम यो और सानवू के लिए परेशान हो रही थी। जहां पर तभी यो पहुंच जाती है, बोलती है कि अब वक्त आ गया है हमें अपनी लास्ट प्रेजेंटेशन देने का। और यहां पर गाइस ये पता लगता है कि सानवू तो अपने आप ही किडनैप हुआ था, ताकि वो डायरेक्टर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके क्योंकि हेल्प कर सके। इसके बाद हम डायरेक्टर को एक स्पीच देते हुए देखते हैं और वो भी प्रमोशन होने की खुशी में, तभी वहाँ पर यो आ जाती है और यहाँ से तब का सीन दिखाया जाता है जब सानवू का किडनैप हुआ था। यो अपनी पूरी प्लानिंग टीम के साथ में वहाँ से बचाने के लिए पहुँच जाती है, जहाँ यो और युमी फिर एक दूसरे से माफी मांगते हैं और गले लग जाते हैं, दोनों में दोस्ती हो जाती है। युमी के ये पूछते ही कि उसे यहाँ का पता कैसे चला, तो यो कहती है कि मिस्टर नाम को लालच देकर मैंने उसे सब कुछ उगलवा लिया था। और उसके बाद यो सानवू को फ्री करती है, जहाँ पर सानवू उसे रिकॉर्डर पकड़ा देता है, जिसमें उसकी और डायरेक्टर की सारी बातें रिकॉर्ड थी। और अब सीन प्रेजेंट में आता है। यो जेहक से बोलती है कि तुम्हारे स्कैंडल छुपाने के लिए और स्कैंडल भी किए गए थे, दुनिया तो तुम्हें अभी भी बुरा मानती है। तभी फिर यो अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हुए कहती है कि हमारी कंपनी अब से बड़े ही नहीं बल्कि छोटे बिजनेस को भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेगी, जिससे कि उनसे उसे अच्छे लोग और उनके आइडियाज हमसे जुड़ेंगे और इससे जेहक की इमेज सुधर भी जाएगी। ये सुनकर जेहक खुशी से उसके प्रोजेक्ट की तारीफ करता है। डायरेक्टर भी उसे अपनी तरफ बहकाने लग जाती है, साथ ही बोल रही होती है कि यह तो एक क्रिमिनल है और इसीलिए इसकी बातें मत सुनो। और वहाँ रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, जहाँ डायरेक्टर ने सानवू के सामने अपना हर क्राइम को कबूल किया था कि उसने ही जेहक के खिलाफ स्कैंडल किया था, स्कैंडल वाले इंसिडेंट में उसका ही पूरा पूरा हाथ था, और तो और आज का स्कैंडल भी उसी ने खड़ा किया था। ये सब कुछ सुनते ही जेहक वहाँ से बाहर चला जाता है और डायरेक्टर उसे मनाने उसके पीछे जाती है कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पर जॉनवू आकर कहता है कि नहीं, ये सब कुछ सच है, डायरेक्टर के कहने पर ही मैंने यो को मारने की कोशिश की थी। ये सुनते ही डायरेक्टर गुस्से से यो की तरफ बढ़ती है।
जहाँ पर फिर युमी बीच में आ जाती है। ये सब कुछ देखकर तो डायरेक्टर सोनवू को बता देती है कि दाव की जान भी उसी की वजह से गई थी। सोनवू को काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो तो डायरेक्टर को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है, ये उसे रोक लेती है कि तभी पुलिस आकर जोंगू और डायरेक्टर दोनों को ले जाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में जे हक यो की प्रेजेंटेशन से खुश होकर उसे सोनवू का सीईओ बना देता है कि सभी उसके प्रमोशन से खुश थे, लेकिन वो देखती है कि सोनवू डायरेक्टर की बातों से परेशान है। और फिर उसी टाइम पर सोनवू यो को हक करते हुए कहता है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए सब कुछ चीजों को हैंडल करने और समझने के लिए, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। सीन शूट होता है कुछ सालों बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर युमी और यो फिर से काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। जोंगू भी फिर आकर यो से माफी मांग लेता है और यो को भी पैनिक अटैक्स आने बंद हो जाते हैं, जिसके बाद प्लानिंग टीम यो को एक प्लानिंग के लिए किसी सीईओ से मिलने के लिए कहते हैं। और जब यो सीईओ से मिलने के लिए जाती है, शॉक हो जाती है क्योंकि दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हैंडसम हीरो सोनवू था। यह उसे बोल रही होती है कि सोच लो हमारी कंपनी की ब्रांडिंग बहुत महंगी है, इतनी सस्ती नहीं पड़ेगी। तो सोनवू उसे किस करते हुए कहता है कि मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और इसी के साथ दोस्तों इस खूबसूरत से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और मुझे तो ये एंडिंग काफी पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना अगर मेरा काम और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।